हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टर्म पे। आज से हम अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन करेंगे और हम वही क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आ रखे हैं। इससे पहले अब तक मैं रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा चुका हूँ और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज में कंटिन्यू बने रहना और जितनी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ अगर उतने ही क्वेश्चन आपने कर लिए तो बोर्ड में आपके 80 आउट ऑफ 80 आने से कोई नहीं रोक सकता। अब बस वीडियो पे बने रहना, डेली इस चैनल पर 4 वीडियो आएगी और चारों क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त होंगे और बोर्ड के ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल के प्लस 9, 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 7 आर द कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब k की क्या वैल्यू रखूं कि ये तीनों टर्म्स एपी की कंजुगेटिव टर्म बन जाए, ठीक है। करेंगे कैसे, बिल्कुल आराम से समझेंगे। बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में इसको नाम दे देंगे a1, इसको a2 और इसको a3, ठीक है। a1, a2, a3। जब भी हमें बोले कि भाई 3 कंजुगेटिव टर्म, तो उसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है। क्या फार्मूला है इसका, कि a3 ब्रैकेट का यूज करना, वरना आप गलत कर दोगे। a3 माइनस ब्रैकेट के अंदर a2 इज इक्वल टू a2 माइनस a1, ठीक है। ध्यान रखना, हमेशा इसी फार्मूले का यूज करना, ठीक है। क्या करेंगे अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। a3 किसको लिखा मैंने, 2k प्लस 7 ब्रैकेट के अंदर माइनस a2 किसको लिखा मैंने, 2k माइनस 1 इज इक्वल टू a2 फिर से कितना है, 2k माइनस 1 और माइनस ब्रैकेट लगा के a1 कितना है हमारे पास यहाँ पे, एक्चुअली ये ऐसे ब्रैकेट है ऐसे, ठीक है। a1 कितना है, k प्लस 9, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसको खोल दो तो ये कितना आ जाएगा, 2k प्लस 7। अब देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 2k और माइनस माइनस प्लस का 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी एज इट इज रहेगा ये 2k माइनस 1। अब माइनस अंदर गया तो माइनस का के और माइनस माइनस वो माइनस प्लस माइनस का 9। अब देखो क्या करेंगे, 2k प्लस का है और 2k माइनस का है, ये कट जाएंगे तो यहाँ से क्या बचा, 7 और 7 प्लस 1 8, मतलब 8 बचा इज इक्वल टू, देखो 2k और 2k में से 1k माइनस का हो रहा है तो क्या बचेगा, k। और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 1 और माइनस का 9, माइनस 1 और माइनस का 9 मतलब माइनस का 10। अब इस 10 को उठा के यहाँ ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 प्लस 10 इज इक्वल टू के, तो के कितना आ गया अल्टीमेट, के इक्वल टू 18। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, अब हमारा ए कितना आया, के आ गया 18, मतलब यही इसका आंसर है। लेकिन यहाँ पे हमें रुक नहीं जाना है, हमें चेक करना है। क्या चेक करके देखना है कि भाई जो हमारी वैल्यू आई क्या इसको इस पे रखने पे एपी बन रही है, तो रख के देखो के की जगह रख के देखो तो कितना आ रहा है, 18। तो 18 प्लस 9 एक ब्रैकेट में ओमा इधर रखो तो 2 इंटू 18 माइनस 1 एक ब्रैकेट में और यहाँ पे रखो तो 2 इंटू 18 प्लस 7 एक ब्रैकेट में। अब देखो करके देखो, 18 प्लस 9 27 और 27 आ गया और 27 18 दूनी 36 और 36 में से एक गया 35, ठीक है। और यहाँ पे देखो 18 दूनी 36 और 7 36 37 38 39 40 41 42 43 43 ये बन गया। अब क्या चेक कर लेते हैं कि क्या ये एपी बन रही है, तो देखो 35 माइनस 27 इज इक्वल टू इधर से क्या आएगा, 43 माइनस 35। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो क्या करेंगे, ये 35 में से ये गए तो यहाँ से आएगा 8 और यहाँ से भी कितना आएगा, 8। तो ये कॉमन डिफरेंस कितना है, 8, मतलब हमारी वैल्यू बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रही है। तो ये हुआ है पूरा क्वेश्चन को करने का तरीका, बहुत ही शानदार और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो अच्छे से नोट डाउन करना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे एपी का, ये भी क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ज़्यादा आता है, मतलब हर साल आना ही आना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने का मतलब है आपका एक नंबर कंफर्म होना या दो नंबर, एक या दो नंबर में आएगा, आएगा ही आएगा। करेंगे कैसे, बच्चे इसको बहुत गलत करते हैं, ध्यान से देखना वीडियो में एक एक बात जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करना, जो फार्मूला मैं बताऊँगा उससे करना, लाइफ में कभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखो क्या कह रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द 2k प्लस 1 कोमा 3k प्लस 3 एंड 5k माइनस 1 आर द 3 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। आर द 3 रह गया यहाँ पे 3 लिख लो, आर द
थ्री कंजुकेटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नाम लिख दो, यहाँ पे लिख दो ए वन, यहाँ पे ए टू और यहाँ पे ए थ्री, ठीक है, तीनों को नाम दे दिया। अब जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा कि के की वैल्यू निकालनी है तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, एक फार्मूला होता है, क्या होता है वो, ए थ्री माइनस, ब्रैकेट का यूज करना, देखो ब्रैकेट का यूज नहीं करोगे तो काम गलती हो जाएगी, मैं बताता हूँ, ए थ्री माइनस ए टू, एक ब्रैकेट में माइनस ए टू माइनस ए वन, एक ब्रैकेट में, ये इसको ब्रैकेट में ले लिया और माइनस का ए वन, इसको ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है, ब्रैकेट का यूज जरूर करना इस तरह के क्वेश्चन के लिए, ये फार्मूला रामबाण फार्मूला है, मतलब इसी को लगाना है बस, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, ए थ्री कितना है, देखो ध्यान से, ए थ्री कितना है, फाइव के माइनस वन, माइनस ए टू कितना है, ए टू है हमारा थ्री के प्लस थ्री इज इक्वल टू, ए टू फिर से वही थ्री के प्लस थ्री माइनस, ब्रैकेट लगा के कितना लिखेंगे, टू के प्लस वन। देखो अब ब्रैकेट मैंने क्यों लगवाया, अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो सिर्फ आप इसको साइन बदलोगे इस तरीके से, इसका साइन नहीं बदलोगे जो कि आपका क्वेश्चन गलत आ जाएगा, तो ब्रैकेट का यूज करना। अब इसको खोल दो तो क्या आएगा, फाइव के माइनस वन, अब देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का थ्री के और माइनस प्लस माइनस, माइनस का थ्री इज इक्वल टू, यहाँ से एज इट इज रहा फाइव के प्लस थ्री और माइनस अंदर गया तो माइनस का टू के और माइनस प्लस माइनस का वन। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो फाइव के में से थ्री के गए मतलब टू के, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, माइनस का थ्री और माइनस का वन मतलब माइनस का फोर इज इक्वल टू, यहाँ देखो थ्री के, थ्री के में से माइनस के टू के मतलब के, ठीक है, और यहाँ देखो माइनस थ्री और माइनस का वन तो प्लस का थ्री और माइनस वन मतलब प्लस का टू, तो यहाँ से क्या आएगा, देखो अब के को इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ तो क्या आएगा, ये टू के माइनस के इज इक्वल टू टू प्लस फोर, तो मतलब k इक्वल टू सिक्स। अब देखो k हमारा सिक्स आ गया, अब मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे करके रुक जाएंगे, कहेंगे उनका आंसर आ गया, कायदे से यहाँ पे आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पे एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या k की वैल्यू को इसमें रखने पर ये ap बन रही है, तो देखो क्या कर रहा हूँ मैं, तो टू इंटू के कितना है यहाँ पे सिक्स, तो सिक्स प्लस वन इधर और यहाँ पे देखो थ्री इंटू के कितना है सिक्स प्लस थ्री और यहाँ देखो फाइव इंटू सिक्स माइनस वन, तो कितना आ जाएगा ये यहाँ पे कितना आ जाएगा ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस वन और कोमा यहाँ देखो एटीन प्लस थ्री और यहाँ देखो थर्टी माइनस वन, तो यहाँ से कितना आ जाएगा थर्टीन और यहाँ से अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस और यहाँ से ट्वेंटी नाइन, तो क्या ये एपी बन रही है, चेक कर लेते हैं, तो ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी थ्री इक्वल टू ट्वेंटी एट माइनस ट्वेंटी वन, मतलब कैसे निकालते हैं, ये माइनस ये इक्वल टू ये माइनस ये मतलब कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ से आ गया आठ और यहाँ से आठ नहीं आएगा, ये कितना आएगा तेरह और इक्कीस आठ आएगा ना, अरे ट्वेंटी नाइन है यहाँ पे बेटा, ट्वेंटी नाइन, ट्वेंटी नाइन यहाँ पे कितना आएगा ट्वेंटी नाइन, तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो ट्वेंटी वन में से थर्टीन गए एट और यहाँ से भी कितना आएगा एट, तो मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया एट इक्वल टू एट, यही मेरा कॉमन डिफरेंस है, मतलब ये एपी बन गई। तो यहाँ तक हमारा आंसर ये चेक करके हमने सेटिस्फाइड करवा दिया कि भाई हमारा आंसर पूरा आ गया, बहुत ही शानदार और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत ज़्यादा आता है, तो अच्छे से नोट डाउन करना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूँ कि इससे पहले अब तक मैं एक और वीडियो बना चुका हूँ अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की, तो उसको भी नोट डाउन करना, अच्छे से लिखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, बोर्ड में आया हुआ है 2016 में और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसमें भी मैक्सिमम बच्चे वही गलती करते हैं क्योंकि उनको क्वेश्चन समझ में आता ही नहीं, करेंगे कैसे, क्या कह रहा है, फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ फ्रॉम द एंड टुवर्ड द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, मतलब ये एपी है, इस एपी का पीछे से मतलब यहां से नाइन्थ टर्म कहाँ कौन सा होगा, मतलब बीचों बीच कहीं पे नाइन टर्म होगा पीछे से, तो उसको निकालना है। तो अभी तक भाई आगे से तो निकालने वाला सबको पता है कि भाई ए प्लस एटी अट्ठ आठ डी कर दो और उसकी वैल्यू रख दो आंसर आ जाएगा, लेकिन पीछे से कैसे करेंगे, तो देखो जब भी ये क्वेश्चन आए तो क्या करना है, कुछ हमें सिंपल सा एक फंडा करना है कि इस एपी को रिवर्स कर देंगे, रिवर्स मतलब ऐसे घुमा देंगे। तो देखो ध्यान से इसमें कितने कितने का गैप है, फोर में से नाइन, मतलब नाइन में से फाइव गए फोर, थर्टीन में से नाइन गए फोर, तो यहाँ मतलब फोर फोर के गैप पे है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एट्टी फाइव और यहाँ से अब 4 का गैप है तो मतलब 181, फिर 4 का गैप है तो
77 और इस तरीके से ये ईपी रिवर्स हो गया, यहाँ पे कितना आएगा, उल्टा करना है देखो, तो 13 के बाद 9 और 9 के बाद 5, ये ईपी को हमने घुमा दिया, ठीक है। अब फ्रॉम द नाइन्थ टर्म एंड पीछे से वो नाइन्थ टर्म निकालना था, अब हम स्टार्टिंग से निकाल देते हैं। तो स्टार्टिंग से निकालने का क्या फंडा है, सबसे पहले देखो ये जो है ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म कितना है 85, और डी कैसे निकालते हैं, देखो डी निकालने का क्या तरीका है, ये माइनस ये और फिर ये माइनस ये, मतलब 181 माइनस 185 इज इक्वल टू 177 माइनस 181। तो देखो यहाँ से D कितना आएगा, तो D इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से 85 में से 81 गए तो माइनस का 4, और यहाँ से भी कितना आएगा माइनस का 4, मतलब D पता चल गया, हमें ये पता चल गया। तो हमें पता है EN इक्वल टू क्या होता है, EN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पे क्या है, हमें कौन सा टर्म बोल रहा है 9, तो A 9 की जगह क्या हो जाएगा, A 9 इज इक्वल टू A प्लस, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 9 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा A 9 इक्वल टू A प्लस 9 में से 1 गए 8, मतलब 8D। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, सिंपल सा है, तो देखो कितनी आसानी से हो गया। तो मतलब A 9 इज इक्वल टू कितना आएगा, A कितना है मेरे पास, देखो A कितना है मेरा, A 185 माइनस 8 ऐसे ही रहा, और यहाँ से कितना आएगा, देखो D कितना है माइनस का 4, ठीक है। तो ये कुछ गलती हो गई यार, एक मिनट रुको, 185 और ये वो और माइनस का, हाँ ये प्लस है यार, यहाँ पे फार्मूले में ये प्लस है और ए प्लस 8D है ना ये, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा 185, और देखो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 32, तो यहाँ से कितना आएगा, देखो 5 में से 2 गए 3 ए, तो यहाँ पे 5 और ये 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, जो 9 टर्म होगी इसकी स्टार्टिंग से वो कितनी आएगी 153, मतलब और पीछे से करें तो वो भी 153 करने का है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी, बहुत सिंपल और साधारण क्वेश्चन था, बहुत आसानी से मैंने आपको सोल्व कराने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लगे तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं रियल नंबर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वांटिटी इक्वेशन और पॉलीनोमियल उसके भी वीडियो बना चुका हूँ, और हर क्वेश्चन को मैंने अच्छे से वही क्वेश्चन उठाया जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा आया है, 20-20-30-30 वीडियो है, उसको देख लो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, कोई सैंपल पेपर कोई एक्स्ट्रा बुक करने की जरूरत नहीं है, बस आपने मेरे क्वेश्चन कर लिए आपके 80 out of 50 आराम से आ जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ठीक है, क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, ये एपी है 18, 16, 14, वी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। सिंपल सी बात है, ये मैथ का क्वेश्चन है और इसमें कहीं लिखा भी नहीं है कि फार्मूले से करना है, तो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से कराऊंगा, एक फार्मूले से और एक बिना फार्मूले से। तो एग्जाम में देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, आपके दिमाग में एक फितूर है कि भाई फार्मूले से ही करना है, जरूरी नहीं है फार्मूले से भी कर, बिना फार्मूले के भी कर सकते हैं, इसमें कहीं लिखा नहीं है कि फार्मूले से करो। देखो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ क्या कहना है, सबसे पहले देखो ये डिक्रीजिंग ईपी है, डिक्रीजिंग मतलब घट रही है, तो 18, 16, 14 और डैश कितना जा रहा है कि हमें पता नहीं, ठीक है। हमें क्या कह रहा है कि ये मतलब कितनी ऐसी वैल्यू और लूँ कि उन सबको ऐड करूँ उनका सम जीरो हो जाए। तो देखो हमें हमें SN का फार्मूला पता है, SN इक्वल टू N बाई 2 2A प्लस ब्रैकेट के अंदर N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो हमें SN कितना दिया हुआ है, देयर सम इज जीरो, मतलब SN कितना है 0। तो इससे सबसे पहले ये बाद में करेंगे, पहले ये फार्मूला नोट डाउन कर लो आप लोग, है ना। अब यहाँ पे A कितना है, A लिख दो, A इक्वल टू कितना है, A है हमारे पास 18। D कितना है, D इक्वल टू कितना है, D आएगा, देखो आप D कैसे निकालेंगे, तो देखो D निकालने का तरीका बता देता हूँ, ये माइनस ये और ये माइनस ये, मतलब 16 माइनस 18 इज इक्वल टू 14 माइनस 16, तो कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि डिक्रीजिंग एपी है तो D इक्वल टू माइनस 2। और हमें SN कितना दिया हुआ है, SN इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि लिखा है सम इज 0। हमें क्या निकालना है, अब देखो फार्मूले में SN 0 आ गया, A आप पता है हमें, D पता है, N नहीं पता है, तो मतलब N निकालना है, तो N इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या करेंगे, SN की जगह 0 लिख दो, तो 0 इज इक्वल टू N बाई 2, तो N बाई 2 तो एज इट इज रहा क्योंकि N तो है ही नहीं मेरे पास, तो यहाँ पे क्या है 2A इंटू A, A कितना है देखो यहाँ पे 18, A इंटू 18 प्लस N माइनस 1, और D कितना है, D देखो D कितना है माइनस का 2,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अब ये जीरो है तो ये वाली टर्म्स कहाँ चली जाएगी, पूरी पूरी अपोन में, मतलब इस पूरे के अपोन में, तो अपोन में जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, जीरो अपोन एनीथिंग जीरो। तो मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ, जीरो इज इक्वल टू डायरेक्ट देखो 18 × 36 और यहाँ पे कितना आएगा देखो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से कितना आएगा माइनस का 2n, इस माइनस को अंदर भेजो तो यहाँ, तो माइनस का 2n और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2। अब देखो ये माइनस का 2n है ना, इस पूरे को उठा के यहाँ ले आओ क्योंकि हमें तो n निकालना है, तो क्या आ जाएगा 2n इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दो कितना आ जाएगा 38। तो यहाँ से n कितना आ जाएगा 38 डिवाइड बाई 2 मतलब 19। तो मतलब इसमें मुझे 19 टर्म लेनी पड़ेगी जिसका सम कितना आ जाए 19। अब देखो आप ध्यान से देखोगे तो ये बिना फार्मूले के, अब मैं बता रहा हूँ बिना फार्मूले के इसको कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखो ये डिक्रीजिंग ईपी है, तो क्या होगा ये 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0। और देखो अब क्या होगा, ये नंबर लाइन है मतलब दो दो में से घट रहा है, तो माइनस का 18, वो माइनस का कह रहा हूँ, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8, माइनस का 10, माइनस का 12, माइनस का 14, माइनस का 16 और माइनस का 18। क्यों सर 18 तक ही क्यों जाएंगे, क्योंकि 18 है। अब ध्यान से देखो हमें जीरो लाना है सबको ऐड करके जीरो, तो देखो 18 प्लस और 18 माइनस कितने हो गए जीरो, तो यहाँ से कितनी टर्म्स कटी 2। उसी तरीके से ये इससे कटेगा और ये इससे कटेगा, ये इससे कट जाएगा, ऐसे ये कटते चले जाएंगे। देखो ध्यान से, यहाँ देखो ध्यान से देखो, ये कट गए और अल्टीमेट जीरो ही बचा। अब इन सबको गिन लो तो कितने हुए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, मतलब कितने टर्म्स आए 19, और हमारा आंसर भी क्या है 19। तो आप देख सकते हो कि फार्मूले से तो आसान इस तरीके से है, तो इस तरीके से भी आप पूछ कर सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, उसमें कहीं लिखा नहीं है कि फार्मूले से करना है। तो हमें 19 सम लेनी पड़ेगी, जिनको सबको ऐड करेंगे तो उनका सम कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा फार्मूले से किया जाए, बिना फार्मूले के भी हम कर सकते हैं। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक बात जितनी भी बताई है उसको लिख लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि एपी की ये चौथा क्वेश्चन है, इससे पहले मैं 3 क्वेश्चन और करा चुका हूं, और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जबरदस्त वाले जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो नोट डाउन करना उनको भी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टर्म पे। अभी तक हम ईपी सीरीज कर रहे हैं और इसमें मैंने 4 क्वेश्चन करवा चुका हूँ जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, और हर बार वही क्वेश्चन आते हैं। आपने अगर यही क्वेश्चन देख लिए तो आपके बोर्ड में पूरे अच्छे खासे चांस है कि पूरे 80 out of 80 आ जाए। बस आप मेरी सीरीज को कंटिन्यू करना, और जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ सिर्फ इसी के देख लो, और कोई एक्स्ट्रा बुक और कोई साइड बुक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मेरी वीडियो देख लो आपका काम हो जाएगा। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जो एपी का है, बहुत सिंपल सा, और इस क्वेश्चन को भी मैक्सिमम बच्चे गलत कर देते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द 25th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। इस एपी की 25th टर्म निकालनी है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, अपना एक फंडा याद रखना है। क्या हमें 25th टर्म क्या होती है भाई, हमें पता है जो 25th टर्म होगी वो होगी a प्लस 24d। अब कुछ ही बच्चों को ये भी नहीं पता कि सर ये कैसे निकालते हैं, तो याद रखना जो भी टर्म निकालनी होगी, जो भी टर्म हमें निकालनी होगी वहाँ पे a लिख दो, और यहाँ पे 25th है तो यहाँ पे 24 कर दो, यहाँ पे 30 होता तो 29 कर दो, 35 होता तो 34 कर दो, ठीक है। आया कैसे, इस फार्मूले से an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक n की जगह कितना है 25, क्योंकि 25 टर्म बोल रहा है, तो a इक्वल टू 25, और यहाँ पे कितना जाएगा a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, तो आ गया ना देखो अल्टीमेट वही a प्लस 24d, मतलब ये टर्म निकालनी है, मतलब हमें ये वाली टर्म निकालनी है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसमें दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल कौन कौन से, a और d। a और d कैसे निकालेंगे, a तो हमें दे रखा है भाई, a तो यही होता है, यही हमारा a होता है, सर d कैसे निकालें। तो देखो इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस, मतलब कॉमन डिफरेंस d की निकालने का क्या तरीका है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस को ही डी बोलते हैं, इतना मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना आपको पता होगा। कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या तरीका है, देखो ध्यान से जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वैसे लिखना, लाइफ में कभी गलती नहीं होगी। इसको नाम दे दो A1, इसको A2, इसको A3, ठीक है, बस 3 ही टर्म चाहिए हमें किसी भी एपी को डिफाइन करने के लिए, मिनिमम 3 टर्म की जरूरत पड़ती है, वो 3 टर्म है हमारे पास। तो इसमें से क्या करेंगे, देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना, ब्रैकेट के अंदर लिखना A2 माइनस, वो ब्रैकेट के अंदर A2 ब्रैकेट बंद और माइनस का
ए वन ब्रैकेट के अंदर ही लिखना इज इक्वल टू ए थ्री ब्रैकेट के अंदर ए थ्री और माइनस लगा के ब्रैकेट के अंदर ही ए टू, ठीक है, ये रखना। कभी इस फार्मूले को बिल्कुल एकदम ऐसे कर लो, बिल्कुल कंठस्थ गांठ बांध लो, ये बहुत काम का फार्मूला है, बहुत इसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल एक नंबर का। तो यहाँ पे डी, अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखनी है, ए टू कितना है यहाँ से उठा लो, माइनस का 5/2 ब्रैकेट के अंदर, और माइनस ए वन कितना है, ए वन कितना है माइनस का 5, ठीक है। इसी तरीके से ए थ्री कितना है 0 ब्रैकेट के अंदर, और माइनस ए टू कितना है माइनस का 5/2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से इसको सोल्व करेंगे तो डी इक्वल टू माइनस का 5/2 और माइनस माइनस प्लस का 5 इज इक्वल टू 0 और ये माइनस माइनस प्लस का 5/2। तो देखना ध्यान से, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 5 प्लस 2 इंटू 5, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, और अपन में क्या आएगा 2, और यहाँ से कितना आएगा 0 मतलब 5/2। तो इधर से कितना आ जाएगा डी इक्वल टू देखो माइनस का 5 प्लस का 10 अपॉन 2 इक्वल टू 5/2। तो यहाँ से डी कितना आ जाएगा, डी इक्वल टू 5/2 इक्वल टू 5/2, ये दोनों बराबर आने चाहिए और हमारे बराबर आ गए, मतलब मेरे पास ए भी है और डी भी है, इन दोनों को यहाँ पे पुट कर दो। तो ए कितना है, ए ये रहा माइनस का 5 प्लस 24 इंटू डी कितना है 5/2। तो देखो ये कट जाएगा इसे, 2 वन जा 2 12 जा, अब तो कितना आ गया ये मेरे पास इज इक्वल टू माइनस का 5 प्लस 12 पंजे 60। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये माइनस का 55 आंसर है, ठीक है, कि ओ प्लस का 55, 60 बढ़ा है ना, तो इसकी जो 25th टर्म होगी वो ये होगी, ठीक है। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आप यहाँ पे गलती कहाँ कर दे, तो कॉमन डिफरेंस निकालने में। तो ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, मैंने ये इसलिए करवा रहा हूँ, अभी आपको हाई लेवल पे ले जाऊँगा, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप से ही हमारे बड़े मार्क्स बनते हैं, एक एक दो दो नंबर मिला के 80 नंबर के आते हैं, 80 नंबर का कोई एक क्वेश्चन नहीं आता, तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से करवाया। नोट डाउन करना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, क्या कह रहा है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी, मतलब इस एपी के बीचों बीच कौन सी टर्म है वो मुझे बतानी है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, बस फंडे पे बने रहना। हमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इसमें हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है कितना, ए इक्वल टू कितना है 60 सी ओ 6, ए कितना है 6, यही होती है मेरी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ही ए होती है। और कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो इसको निकालना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस मतलब डी इक्वल टू कैसे निकालते हैं, तो देखो डी निकालने का क्या तरीका है, इसमें से इसको माइनस, मतलब 13 माइनस 6 इज इक्वल टू इसमें से इसको, मतलब 20 माइनस 13, तो यहाँ से डी कितना आ गया, डी इक्वल टू 7 इक्वल टू 7, मतलब ये सेम आना चाहिए, ठीक है। अगर सेम नहीं आ रहा है तो आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक की है, मेरे पास ए पता चल गया और डी पता चल गया। अगर मैं इसमें किसी तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लूँ, मतलब एन की वैल्यू निकाल लूँ, तो मेरा काम हो जाएगा। तो देखो हमें ए एन भी दिया हुआ है, ए एन कितना दिया हुआ है, ए एन बोल लो या एल बोल लो, दोनों का मतलब एक ही है, वो कितना है 216। तो हमें फार्मूला पता है, क्या फार्मूला पता है जी, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखो ए एन कितना है मेरे पास, ये रहा 216, तो 216 इक्वल टू ए कितना है, ए रहा 6 प्लस एन नहीं पता है, एन माइनस 1 और डी कितना है 7, तो यह देखो ये 6 इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 216 माइनस 6 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 210 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। अब ये 7 कहाँ जाएगा, अपॉन में, तो 210 अपॉन 7 इक्वल टू एन माइनस 1, तो यहाँ से ये पूरा पूरा कट जाएगा, कितना आ जाएगा 30, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 30 प्लस 1, इस 1 को इधर भेज दो, तो कितना आ जाएगा ये एन, तो यहाँ से एन कितना आ गया, एन इक्वल टू 31, मतलब इसमें टोटल अगर एन की वैल्यू मेरी इवन आए, वो कह रहा हूँ ओड आए, एन की वैल्यू अगर ओड आए, तो इसके बीचों बीच कितनी टर्म होगी, देखो 16 टर्म होगी। कैसे निकाला मैंने, अगर एन की वैल्यू ओड आए तो इसमें 31 ओड में प्लस 1 कर दो और अपॉन 2 कर दो, तो कितना आ जाएगा ये 32 अपॉन 2 मतलब 16, तो मतलब 16वें नंबर की जो टर्म होगी वो मेरी बीचों बीच वाली टर्म होगी, मतलब इस एपी के बीच में आएगी बिल्कुल। अब उस सर उस वैल्यू को कैसे निकालेंगे, तो देखो ये मुझे पता चल गया कि भाई एन है, मतलब जो मिडिल टर्म होगी वो 16वें नंबर की होगी, तो उसको कैसे निकालेंगे, वो मुझे पता है ए 16 इज इक्वल टू ए प्लस 15 डी। सर ये कहाँ से आया, देखो ये इस फार्मूले से आया, इस बारे फार्मूले में,
इस वाले से, यहाँ पे n की जगह 16 रख दो, तो देखो 16 रखने पे क्या आएगा 16, और a a पता ही नहीं है, तो 16 माइनस 1 15 d, वही लिखा। अब a तो मुझे पता है, यहाँ पे a कितना है 16, वो 6 प्लस 15 इंटू d कितना निकाल चुका हूँ मैं, d ये रहा मेरा d कहाँ है, ये रहा 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 6 प्लस 15 सत्ते 105, तो ये कितना आ जाएगा 111, मतलब कितना आ गया, ये जो मेरी बीचों बीच टर्म होगी वो कितनी आएगी 111, तो यही इसका आंसर है। और इसका और आसानी से तरीका बता रहा हूँ, एक लाइन में आप चिट्ठियों में कैसे कर दोगे, इन दोनों को ऐड कर दो, देखो एक लाइन में इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई टू कर दो, मेरा आंसर आ जाएगा, देख लो चाहे एक लाइन में विद इन सेकेंड में कैसे आंसर आ रहा है। तो 216 प्लस 6 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा ये 222 अपॉन 2, मतलब 111, यही मेरा आंसर है, देखो वही आया आंसर। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है बिल्कुल एक नंबर की, मतलब अगर एमसीक्यू में आ जाए तो तुरंत ऐसे करना है आपको, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में करना है तो लॉन्ग का ये तरीका है, बहुत अच्छे से नोट डाउन करना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, और ये मिडिल टर्म वाले क्वेश्चन बच्चों को समझ में नहीं आता, स्ट्राइक ही नहीं करता कि इसको करें कैसे। तो अच्छी लगी वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे ईपी का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, दो नंबर का, 2017 में आया हुआ है। क्या कह रहा है, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11, जो एपी की फोर्थ टर्म दी रखी है वो 11th है। तो फोर्थ टर्म क्या होती है भाई, हमें पता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन कितना है ए एन के मतलब ए फोर, तो ए फोर कितना हो जाएगा ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ए फोर इक्वल टू ए प्लस 3D। तो याद रखना जो भी टर्म दिए हो वहाँ से एक कम होता है d के साथ, तो हमें यहाँ से क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ से दिया हुआ है ए फोर, मतलब इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी, फोर टर्म कितना है 11, मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा 11 इज इक्वल टू ए प्लस 3D, ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। अब क्या कह रहा है ध्यान से देखना, द सम ऑफ द फिफ्थ टर्म एंड 7th टर्म, मतलब फिफ्थ टर्म क्या होगी हमें फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म प्लस 7th टर्म, फिफ्थ टर्म प्लस 7th टर्म, वो कितना दिया हुआ है, इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है 34। तो अब हम क्या करेंगे, फिफ्थ टर्म पता है देखो भाई फोर थी तो एक कम आया, तो इसी तरीके से फिफ्थ होगी तो क्या आएगा ए प्लस 4D प्लस ए प्लस 6D इक्वल टू कितना हो जाएगा 34। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा ए और ए मिलके 2A, और यहाँ से कितना आ जाएगा 6 10D इज इक्वल टू कितना 34। तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल इस पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस 5D इक्वल टू 34। अब ये 2 कहाँ जाएगा, यहाँ से, यहाँ से हटके ये यहाँ चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा ए प्लस 5D इक्वल टू 17, ये हो गई इक्वेशन 2। अब मुझे तो क्या निकालना था, मुझे तो भाई डी निकालना था, तो अभी हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, वो करना है, तो इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, तो मैं क्या कर देता हूँ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो देखो माइनस कैसे करेंगे ध्यान से, तो ए प्लस 5D ब्रैकेट में लगाना और माइनस ब्रैकेट लगा के ये लिखना ए प्लस 3D, और इधर क्या करेंगे 17 माइनस 11, तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो माइनस को अंदर भेज दो, तो ए प्लस 5D माइनस ए माइनस 3D इक्वल टू इधर से कितना आएगा 6, तो देखो ए से ए कट गया 5D में से ये गए, तो 2D इक्वल टू 6, तो D इक्वल टू 3, यही इसका आंसर है और यही हमसे पूछा है। तो देख लो ध्यान से कितनी आसानी से मैंने इस क्वेश्चन को कर दिया और हमारा आंसर भी आ गया, तो बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये, बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैंने आपको इसको करवाया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 6 क्वेश्चन करा चुका हूं एपी के, और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इससे पहले अब तक मैं रियल नंबर पॉलीनोमियल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन उनको भी करवा चुका हूँ, मैंने 20-30 वीडियो ही बनाई है सबकी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, 1.5-2 घंटे में आपका पूरा मैथ रिवीजन हो जाएगा, बस आप मेरी सारी वीडियो देख लेना उसमें आपका पूरा कंसेप्ट कवर कर रखा है मैंने, कुछ भी नहीं छोड़ा है, उसी को देख लो तो आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द 14th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस इट्स 8th टर्म, मतलब क्या दिया हुआ है देखो ध्यान से, 2018 में 3 नंबर का आया हुआ है, जो 14th टर्म है उसको ऐसे लिख लो, वो क्या है, वो
ट्वाइस मतलब दुगना है किसके, एट्थ टर्म के, एट्थ टर्म ठीक है, किसकी, एपी की, ठीक है, क्लियर है यहां तक। इफ इट्स सिक्स टर्म, सिक्स टर्म दिया हुआ है, सिक्स टर्म, सिक्स टर्म, ये कितना दिया हुआ है जी, ये दिया हुआ है माइनस का एट, और हमें फाइंड क्या करना है, एस ट्वेंटी मतलब, एस ट्वेंटी मतलब सम निकालना है, तो हमें पता है एस ट्वेंटी का मतलब क्या होता है, एस एन हमें पता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, और यहां से क्या हुआ, टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, और एन की जगह कितना है ट्वेंटी, क्योंकि हमें ट्वेंटी टर्म निकालनी है, तो मैं क्या लिख देता हूँ, एस ट्वेंटी इक्वल टू ट्वेंटी बाई टू, और ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूँ मैं, टू ए प्लस ट्वेंटी माइनस वन इन टू डी, तो मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो इससे ये कट गया, तो ये आ गया टेन, तो टेन इज इक्वल टू टू ए प्लस नाइनटीन डी, ठीक है, तो ये एस ट्वेंटी आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, अगर मैंने यहाँ से ये मेरी ए निकाल लिया और डी निकाल लिया और मैं वहाँ पे पुट कर दूंगा तो मेरा एस ट्वेंटी सम आ जाएगा, बिल्कुल। ए और डी निकालने दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन मुझे ये दे रखी है, तो इसी को मैं फर्दर लिख रहा हूँ, देखो कैसे, यहाँ से कितना आ जाएगा, थर्टीन टर्म, थर्टीन टर्म क्या होगी, ए प्लस वो फोर्टीन टर्म, ए प्लस थर्टीन डी, और इक्वल टू कितना आया ये, ट्वाइस ऑफ ए प्लस सेवन डी, वो सेवन डी, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अब इसी को फर्दर सोल्व कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए प्लस थर्टीन डी, और टू को अंदर भेज दो तो टू ए प्लस तेरह सात दुनी चौदह डी, क्लियर है। अब इसमें क्या करता हूँ मैं, इसको इधर ले जाता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ, तो कितना आ जाएगा ये, देखो ध्यान से, थर्टीन डी माइनस फोर्टीन डी इज इक्वल टू टू ए माइनस ए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का डी इज इक्वल टू ए, मतलब ए और डी में रिलेशन आ गया कि भाई जो मेरा ए है वो माइनस डी के बराबर है। अब उस चीज को यहां पे पुट कर देता हूं, कितना है यहां पे, तो सिक्स टर्म, सिक्स टर्म हमें क्या होती है, सिक्स टर्म हमें पता है, सिक्स टर्म होगी ए प्लस फाइव डी, और इसकी वैल्यू कितनी दी रखी है, माइनस का एट, ठीक है, तो यहां पे ए तो पता ही है मुझे कितना है भाई, ए ए कितना है, माइनस का डी, तो यहां पे मैं इसको ए की जगह यहां पे रख दूं, तो माइनस डी प्लस फोर डी इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का एट, तो यहाँ से कितना बचेगा, फोर डी इक्वल टू माइनस का एट, तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का एट अपॉन फोर, मतलब कितना आ गया, माइनस का टू, तो डी आ गया मेरा, डी इक्वल टू माइनस का टू। अब डी आ गया, अब डी को वापस से यहाँ पे पुट कर दूँ तो ए आ जाएगा, क्योंकि ए किसके बराबर है, ए इक्वल टू माइनस डी के, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू माइनस, और डी कितना है, माइनस का टू, तो मतलब ए भी आ गया मेरा कितना, ए टू, मतलब ए और डी मिल गए ना मेरे पास, ए और डी मिल गए, इनको वापस से इस इक्वेशन में पुट कर दो, मेरा आंसर आ गया। तो देखो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एस ट्वेंटी इक्वल टू टेन इंटू टू इंटू ए कितना है, देखो ए है टू, प्लस नाइनटीन इंटू डी कितना है, देखो माइनस का टू, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो ऊपर वाला मेरा काम हो चुका है, उसको मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल नहीं था, बस इसको आप रॉन्गली अप्रोच करते हो तो हम आपसे आंसर नहीं आता। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये 10 ऐसे ही है बाहर, दो दुनी चार, ठीक है, और यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 38, माइनस का 38, तो ये कितना आ जाएगा, 10 इंटू ब्रैकेट के अंदर माइनस का 34, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 340, मतलब जो 20 टर्म का समय है वो माइनस का 324 है। बहुत ही शानदार तीन नंबर का क्वेश्चन है ये, बस इसको करने का तरीका आपको आना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पार्ट जितने बताया मैंने उसको लिख लेना अच्छे से, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 7 क्वेश्चन करा चुका हूँ एपी के, और मैंने वही क्वेश्चन कराया है जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आए हुए हैं, तो उनको भी जाके देखो, आई बटन में उनका लिंक मिल जाएगा या वीडियो के एंड में सारा उसका फोल्डर मिल जाएगा, तो उस पे से भी जाके आप देख सकते हो। तो अच्छे से देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। और इससे पहले मैं रियल नंबर, पॉलीनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो भी कंप्लीट करा चुका हूँ। मैंने हर चैप्टर के 25-30 क्वेश्चन ही कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो उनको ही देख लो और कुछ देखने की आपको जरूरत नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। स्वागत है मेरे चैनल शॉर्टन पे। हम एपी की सीरीज कर रहे हैं और एपी की सीरीज में अब तक हम 8 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है और ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन है कि ये आपसे एग्जाम में दूर दूर तक क्वेश्चन ये सोल्व नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ध्यान से समझना, देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन एपी, ये मतलब हमें पता है हमें क्या दिया हुआ है, एसएन, एसएन की जगह एसपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एपी स्क्वायर प्लस बीपी,
और हमसे क्या पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस मतलब डी। हमें अब इसको दूर दूर तक समझ में नहीं आएगा, तो देखो इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इसका करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है। सबसे पहले जहां जहां पे पी दिख रहा है वहां पे वन लिख दो। तो लिख रहा हूं मैं पुटिंग पी इक्वल टू वन, तो पी इक्वल टू वन से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस वन इक्वल टू ए वन का स्क्वायर प्लस बी इंटू वन। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, वन का स्क्वायर वन मतलब ए प्लस बी, ये हो गया मेरा एस वन, इसको नाम दे दिया इक्वेशन वन। अब इसी तरीके से पुटिंग p इक्वल टू टू, अब p की जगह टू रखेंगे तो क्या आएगा मेरे पास s2, तो s2 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो a और p की जगह दो रखा तो टू का स्क्वायर प्लस बी इंटू टू, तो यहां से कितना आ जाएगा देखो टू का स्क्वायर फोर, और फोर ए इंटू मतलब फोर ए प्लस यहां से कितना आ जाएगा टू बी, ये हो गया इक्वेशन टू। उसी तरीके से s3 निकालेंगे, ठीक है, s3 निकालने के लिए क्या करेंगे, पुटिंग p इक्वल टू थ्री, तो यहां से क्या आ जाएगा एस थ्री इक्वल टू कितना होगा हमारा आएगा, देखो यहाँ पे रख रहा हूँ मैं ए और थ्री का स्क्वायर प्लस बी इंटू थ्री, तो यहाँ से कितना हो जाएगा थ्री का स्क्वायर नाइन मतलब नाइन ए प्लस थ्री बी, ये हो गई इक्वेशन थ्री। ठीक है, अब ध्यान देना मैंने एस वन एस टू एस थ्री क्यों निकाले, क्योंकि किसी भी ए पी को डिफाइन करने के लिए मिनिमम तीन टर्म की जरूरत पड़ती है, या तीन सम लिख लो या तीन एन टर्म लिख लो, तो इसलिए निकाले। अब आपको याद रखना चाहिए इसमें क्या, कि जब भी हमें सम दिया हो और सम दिया हो तो हमें एन टर्म निकालते हैं, तो उसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है ध्यान रखना, ए एन इक्वल टू ए एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ठीक है, यहां पे देखो मैंने तीन तक लिखे हैं तो मुझे तीसरी टर्म निकालनी है, तो तीसरी टर्म निकालने के लिए मैं क्या करूंगा ए थ्री इक्वल टू ए थ्री निकालने के लिए मैं क्या करूंगा एस थ्री माइनस एस टू। अब देखो एस थ्री मैं निकाल चुका हूं, एस थ्री कितना है ये रहा, क्या लिखा है देखो ध्यान से नाइन ए प्लस थ्री बी एक ब्रैकेट में माइनस एस टू कितना है ये रहा फोर ए प्लस टू बी। अब इसको सोल्व करते हैं तो यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास ए थ्री, ए थ्री तो ए थ्री कितना आएगा देखो नाइन ए प्लस थ्री बी माइनस का फोर ए और माइनस का टू बी। तो इसको सोल्व किया तो यहां से कितना जाएगा देखो नाइन ए में से माइनस के फोर ए गए तो मतलब फाइव ए प्लस थ्री बी में से टू बी गए तो एक बी। ठीक है, ये निकाल लिया मैंने, अब क्या करना है ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने ये निकाल लिया ये तो अब मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से समझना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा ये देखो ध्यान से। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, अब मैं क्या निकाल रहा हूं a2, तो a2 निकालने के लिए क्या करेंगे वही s2 माइनस s1, और s2 मैं निकाल चुका था, s2 कहां है मेरा 4a प्लस 2b माइनस s1, s1 मैं मिटा चुका हूं लेकिन मुझे याद है वो था मेरा a प्लस बी। अब इसको सोल्व कर लो तो a2, तो ये a2 कितना आ जाएगा मेरे पास ध्यान से देखो a2 आएगा मेरे पास 4a प्लस 2b माइनस a और माइनस b, इसको सोल्व करेंगे फर्दर तो 3a में से ये 4a में से एक ए गया तो 3a और 2b में से एक भी गया मतलब प्लस का b। ठीक है, अब मुझे ध्यान है कि भाई कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते थे, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए जो हमारी थर्ड टर्म थी उसमें से सेकंड टर्म को माइनस कर देते थे और जो फोर्थ टर्म थी उसमें से थर्ड टर्म को माइनस कर देते थे, तो मेरी थर्ड टर्म तो ये है और सेकंड टर्म ये है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे a3 माइनस ए टू, तो यहाँ से ए थ्री कितना है देखो ए थ्री है मेरे पास फाइव ए प्लस बी एक ब्रैकेट में माइनस ए टू कितना है ये रहा मतलब सेकेंड टर्म कितनी है ए प्लस बी। तो इसको सोल्व करेंगे तो फर्दर कितना आ जाएगा फाइव ए प्लस बी माइनस थ्री ए माइनस बी, तो यहाँ से फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा फाइव ए में से थ्री ए गए तो टू ए और बी कट के कितना बच गया जीरो, तो अल्टीमेट डी कितना आ गया डी आ गया मेरा टू ए, मतलब यही इस ए पी का कॉमन डिफरेंस है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन इन द सेंस कि जब भी हमें सम दिया हो और हमें कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो ये हमें नहीं आता, अगर हमें एनएट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो ये तो हमें पता है, लेकिन सम दे के कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है वो इससे करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से समझना, नोट डाउन करना, बहुत यूनिक क्वेश्चन है, ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में आपने अभी तक शायद देखा नहीं होगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये इंफॉर्मेशन दे दूं कि अब तक मैं 8 क्वेश्चन करवा चुका हूं और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो चैनल पे जाना उनको भी जाके देखना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 10 एपी का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? अपोन में टर्म दी हुई है और हमसे क्या निकलवा रहा है कि इसका कॉमन डिफरेंस। मैक्सिमम बच्चे तो इस क्वेश्चन को देखते ही घबरा जाएंगे। 2011 में 2 नंबर का हुआ है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है, इसको नाम दे दो। इसको लिख दिया मैंने A1 और इसको नाम दे दिया मैंने A2 और इसको नाम दे दिया मैंने A3। ठीक है, तो याद रखना जब भी यहाँ पे चाहो तो नोट डाल के लिख सकते हो कि जब भी एपी में 3 टर्म दी हुई हो और हमें कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से, चाहे नोट डाउन करके लिख लेना। कॉमन डिफरेंस मतलब डी निकालने का क्या फार्मूला होता है, ध्यान से देखना। ये होता है A3 A2 - A1 = A3 - A2। ठीक है, कुछ लोग क्या करेंगे, 2A2 = A1 + A3 कर देंगे, मतलब इसको इधर और इसको उधर भेज देंगे। उसे भी कर सकते हो, मुझे ये आसान लगता है इसलिए मैं इसे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो और ब्रैकेट का यूज करना। A2 कितना है, A2 लिख दो 1/x + 3 एक ब्रैकेट में, और इसको ऐसे लिख लो। माइनस A1 कितना है, ये रहा 1/x + 2 1/x + 2 = अब A3 कितना है, ये रहा 1/x + 5। क्लियर है यहाँ तक? एंड माइनस का ब्रैकेट के अंदर 1/A2 कितना है, x + 3। ठीक है, इतना लिख लिया आपने। अब इतना लिखने के बाद क्या करना है, देखो इसको सोल्व कर देंगे। तो इसमें क्या लेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जहाँ ये दिखे इस फॉर्म में, तो एलसीएम ले लो। तो एलसीएम मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये इधर और ये इधर। तो क्या आएगा, ये x + 2 ब्रैकेट के अंदर माइनस और ब्रैकेट लगा के x + 3, और नीचे क्या आएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई, मतलब x + 3 और इधर से क्या आएगा, x + 2। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या आएगा, वही चीज़ x + 3, इसको इधर और इसको इधर, और माइनस लिख के x + 5, और अपोन में क्या आएगा, देखो ध्यान से, x + 5 और इधर से क्या आ जाएगा, x + 3। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो दोनों में से कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है सर, यहाँ से देखो, ये x + 3 से ये x + 3 कट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट खोल दो, तो मतलब x + 2 और ये माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस का x और माइनस का 3, और नीचे क्या बच रहा है, देखो x + 2। इसी तरीके से इसको भी खोल दो, तो x + 3 माइनस का x और माइनस का 5, और नीचे क्या बच रहा है, देखो ध्यान से, x + 5। क्लियर है? अब देखो फिर कुछ कट रहा है, इस x से ये x और इस x से ये x, तो अब क्या बच रहा है, देखो ध्यान से, 2 में से -3 गए, तो माइनस का 1/x + 2 = यहाँ देखो, 3 में से -5 गए, तो माइनस का 2/x + 5। क्लियर है? ये बच रहा है। अब फाइनल इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो क्या हो रहा है, ये देखो ध्यान से, -1 × x + 5 और इधर से क्या आएगा, -2 × x + 2। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो माइनस को अंदर भेजो, तो माइनस का x और माइनस का 5, और यहाँ से क्या आएगा, -2x और -2 × 2। ठीक है, ये आएगा ना मल्टीप्लाई करके। तो अब इस 2x को उठा के मैं इधर ले जा रहा हूँ और इस 5 को इधर, तो माइनस का x और प्लस का 2x, और उधर से क्या बचेगा, देखो -4 और ये उधर जाके क्या होगा, +5। तो यहाँ से कितना जाएगा, 2x में से 1x गए x, और यहाँ से 5 में से 4 गए 1, तो x = 1, यही हमारा आंसर है। अब चेक कर लेते हैं कि आप 1 रखने पे ये एपी बन रही है, तो करके देखो, x जगह 1 रखेंगे तो 1/3 / 1/4 / 1/5 बिल्कुल एपी बन रही है। तो ये हमारा आंसर था, बहुत ही शानदार और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, 2011 में 2 नंबर का पूछा गया है। मैंने ये क्वेश्चन वही करवा रहा हूँ जो बच्चे इसको करने में गलती कर सकते हैं, बहुत ही फ्रिक्वेंट पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो अच्छे से देखना। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको कितनी आसान तरीके से समझा सकूं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 9 क्वेश्चन करा चुका हूं एपी के, और मैंने वही क्वेश्चन उठाए जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो उनको भी जाके देखो और अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करो। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2012 में 2 नंबर का हुआ है, एक और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इन एन ए पी द फर्स्ट टर्म दिया हुआ है कितना, 5, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 2,
इफ द लास्ट टर्म इज 53, फाइंड इट्स मिडिल टर्म। मिडिल टर्म तो तभी निकलेगी जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता होंगे। भाई हमें एपी में टर्म्स ही नहीं पता, तो जब टर्म्स निकाल लेंगे, मान लो 11 टर्म हुए तो हम बोल देंगे कि भाई बीचों बीच छठा टर्म आएगा, 15 टर्म हुए तो बोल देंगे बीचों बीच आठवां टर्म आएगा, तो उसको निकालेंगे कैसे? पहले टर्म तो देख लें। तो हमें पता है जो जो दिया हुआ है वो लिख लो। देखो ध्यान से, जो जो दिया हुआ है वो लिख लो। फर्स्ट टर्म कितनी होती है? ए कितना दिया हुआ है? 5। कॉमन डिफरेंस डी कितना दिया हुआ है? डी दिया हुआ है 2। और लास्ट टर्म मतलब ए एन लिख लो या एल लिख लो, ये कितना दिया हुआ है? 53। अब ध्यान से देखो, ये जो चीज़ दी हुई है ये तीनों कौन से फार्मूले में फिट बैठ रहे हैं? एक ही फार्मूले में। कौन सा फार्मूला है? ये है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसी में फिट बैठ रहा है। और ये दिया हुआ है ए एन कितना है? 53। तो 53 इक्वल टू ए कितना है? ए है 5 प्लस एन पता नहीं है एन माइनस वन, और डी कितना है? 2। तो देखो इसको करते हैं, 5 को इधर ले आओ, तो 53 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू टू। 53 में से 5 गए तो 48 इक्वल टू एन माइनस वन, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 48 अपॉन 2 इक्वल टू एन माइनस वन। तो देखो ये कट गया कितना? 24। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? एन इज इक्वल टू 24, और ये 1 हटके, ये 1 हटके इधर जाके प्लस में जाएगा, तो कितना आएगा? प्लस का 1। तो एन इक्वल टू 25, मतलब n की वैल्यू पता चल गई कि भाई 25, मतलब इस एपी में कितने टर्म है? टोटल 25 टर्म्स है। अब हमें मिडिल टर्म निकालना हो तो यहाँ पे नोट डाउन करके लिख लेना कि जब भी n ओड नंबर है ना, तो मिडिल टर्म निकालने का क्या फार्मूला होता है? मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म निकालने का क्या फार्मूला होता है जी? याद रखना, जो भी है तो ये एन प्लस वन अपॉन टू, मतलब क्या हो जाएगा ये? 25 प्लस 1 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा ये? 26 अपॉन 2, मतलब कितना आ जाएगा? 13। तो मिडिल टर्म कौन सी होगी? 13वें नंबर की। अब हमसे मिडिल टर्म की वैल्यू क्या होगी, उसको कैसे निकालेंगे? तो देखो हमें पता है ए 13 कैसे निकालते हैं, ए 13 इक्वल टू ए प्लस 12d, ठीक है? और ए कितना है? ए हमारे पास है 5, तो देखो 5 प्लस 12 इंटू डी कितना है? डी है 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? देखो ध्यान से, तो ये 5 प्लस 12 दूनी 24, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 24 और 5 29, यही मेरा आंसर है। तो जो मिडिल टर्म है वो है 13वें नंबर की, और उसकी वैल्यू कितनी है? 29। अब इसको और करने का आसान तरीका बताऊँ, देखो इसका एक चुटकियों में करने का तरीका, जब भी मिडिल टर्म पूछे तो इन दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को, और डिवाइडेड बाई 2 कर दो। तो देखो 53 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ रहा है? 58 डिवाइडेड बाई 2, तो मिडिल टर्म कितनी आ गई? मिडिल टर्म की वैल्यू कितनी आ गई? 29, और मेरा भी आंसर क्या है? 29। तो ये शॉर्टकट करने का इसका डायरेक्ट तरीका है कि अगर आपको एग्जाम में एमसीक्यू में आ जाए तो कम समय में इसको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। अच्छे से देखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि अब तक मैं 11 क्वेश्चन करा चुका हूं, और मैंने वही क्वेश्चन कराया है जो बोर्ड में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट खोलना, उस सारे क्वेश्चन आपको लाइन से मिल जाएंगे। और इससे पहले मैं रियल नंबर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पॉलीनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको भी करवा चुका हूं, और मैंने उन सभी में 15 या 20 25 क्वेश्चन करवाए हैं। मैक्सिमम वही क्वेश्चन डाले हैं जो बोर्ड में बहुत अच्छे बहुत ज्यादा बार आते हैं। अगर आपने मेरी सीरीज सही से देख ली तो आपको कोई एक्स्ट्रा बुक आरडी शर्मा एग्जाम्पलर एग्जाम्पलर करने की जरूरत नहीं है। इसी से इस सीरीज से आपके 80 out of 80 आ जाएंगे। 80 out of 80 सीरीज ही है ये, मतलब आपकी मेरी यही कोशिश है कि आपको पूरे मार्क्स मिल जाए, आपका कोई भी कंसेप्ट अछूता ना रहे। तो अच्छे से नोट डाउन करना, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2012 में 2 नंबर का हुआ है, और क्वेश्चन भी 12 नंबर का है। देखो संयोग देखो कितना अच्छा है, डिविजिबिलिटी भी 12 की पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर भी 12 है, और 2012 में ही आया हुआ है। क्या कह रहा है? हाउ मैनी 3-डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाई 12? तो 12 से डिवाइड होने वाले 3-डिजिट नेचुरल नंबर कितने होंगे, ठीक है? तो करने का इसका क्या तरीका है? देखो सबसे पहले हमें पता है क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखना। अगर आपको 12 की टेबल पता होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पता होगी तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ध्यान से, हम नया पहली नंबर कौन सा मिलता है? 108, आपको याद होगा 12 नंबर 108। फिर दूसरा क्या मिलेगा? 12 धाम 120। फिर उसके बाद क्या मिलेगा? 132। यहाँ तक कर लिया। अब देखो ध्यान से, सर यहाँ पे क्या नंबर लिखे हैं, ठीक है? अब उसको कैसे निकालेंगे? देखो उसको सबसे निकालने का सबसे बढ़िया तरीका, 1000 है, 1000 को आप 12 से डिवाइड कर लो तो कितना आएगा ये? 100, 12 8 96, तो 96 कितना बचा? फिर ये 4 और 0, तो 12 3 36 83,
ठीक है, कितना बच गया, 4। अब देखो 4 बच गया तो क्या करेंगे, अगर ये 4 नहीं बचता तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, तो इस 4 को इसमें से माइनस कर दो, तो 1000 माइनस 4 तो कितना आ जाएगा, ये 996, मतलब जो यहाँ पे नंबर आएगा वो 996 होगा। ये तरीका नोट डाउन कर लेना, बहुत काम आएगा आपको। हो सकता है अगली बार 12 की जगह 11 दे दे, 13 दे दे, कुछ भी दे दे, तरीका यही लगेगा। एग्जाम में आप इसमें उलझे रहोगे, कौन सा नंबर निकालोगे सोचोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये जो मैंने फंडा बताया इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब क्या कर रहा है, तो हमें भाई पता चल गया कि भाई पहला नंबर, तो अब हमें क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी, मतलब एन की वैल्यू पूछ रहा है कि कितने ऐसे इतने नंबर होंगे जो 3 डिजिट होंगे और 12 से डिवाइड होंगे। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखो हमें दिया हुआ है ए कितना है जी 108। कॉमन डिफरेंस कितना है भाई, 12 से डिवाइड हो रहा तो 12 का ही डिफरेंस होगा, तो डी इक्वल टू 12, ठीक है। एन कितना है, एन या एल बी बोल दो इसको, ये कितना है 996। अब हमें फार्मूला पता है क्या होता है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो अब सब चीज़ दी हुई है, एन नहीं दिया हुआ है, तो एन को लिख लो, एन कितना है 996 इक्वल टू 108 प्लस एन माइनस 1 इंटू 12। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 108 को इधर लाएंगे, तो 996 माइनस 108 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 12, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 100 गए तो 896 और 8 888, यही आएगा ना 88 89 90 91 92 93 94 95 96 होगा ना, हाँ ठीक है यही आएगा। और इक्वल टू में कितना आ रहा है, ये एन माइनस 1 और यहाँ पे कितना है 12। अब 12 को कहाँ ले जाएंगे, डिवाइड में, तो 888 इक्वल टू एन माइनस 1 और अपॉन में कितना आएगा 12, तो देखो ये 12 से डिवाइड हो जाएगा 888 को, तो 12 7 84, तो 7 टाइम में 12 7 84, 4 बचेंगे 48, 12 12 4 48, तो इक्वल टू कितना जाएगा n माइनस 1, तो यहाँ से कितना जाएगा 74 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू 75, यही इसका आंसर है। मतलब 3 डिजिट नंबर जो 12 से डिवाइड होंगे वो कितने आएंगे, टोटल 75। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, हो सकता है अगली बार यहाँ 12 ना देके 11 दे दे, 13 दे दे, 7 दे दे, 8 दे दे, 9 दे दे, सबका तरीका सेम ही है। और आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक बात जितनी बताई मैंने उसको लिख लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 11 क्वेश्चन करा चुका हूं, और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो चैनल पर जाना उनको भी देखना, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और इससे पहले मैं रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी करा चुका हूँ, हार्डली 25-25, 30-30 वीडियो डाले हैं, और मैंने वही क्वेश्चन पकड़े हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा आते हैं, इन वीडियो में मैंने कोई भी कंसेप्ट मिस नहीं किया है, तो उनको भी जाके देखो, आपको कोई और चीज़ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे से मैंने सारी वीडियो बना रखे हैं और सारे कंसेप्ट कवर कर रखे हैं कि आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लिया करो, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। 2012 में 3 नंबर का आया हुआ है ये क्वेश्चन, क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ, सम पूछ रहा है भाई, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 7, मतलब 7 के 3 डिजिट जितने भी मल्टीपल होंगे उन सबका सम बताना है। तो हमें सबसे पहला नंबर कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे अब बच्चे काउंट करने लग जाएंगे कि सर पहला नंबर कैसे निकलेगा, तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, 3 डिजिट पहला नंबर कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, तो यहाँ पे 100 को 7 से डिवाइड कर दो, तो ठीक है, तो कितना आएगा ये 14 5 80 और 14 2 28 98, 14 टाइम में कितना आ गया 98, तो कितना बचा ये 2, ये 2 बचा ना। अब ध्यान से समझना जो मैं आपको मैथ सिखा रहा हूँ, इस 7 में से इस 2 को माइनस कर दो, ठीक है, तो क्या लिख रहा हूँ मैं, 7 माइनस 2 कितना बचा 5 बचा ना। अब इस 5 को इस 100 में ऐड कर दो, तो कितना आएगा 100 प्लस 5 मतलब 105, तो पहला नंबर कौन सा है कि 105, तो यहाँ पे मिल गया मेरे को पहला नंबर 105। दूसरा नंबर कितना आएगा, इसमें 7 ऐड कर दो तो 112। तीसरा नंबर कितना आएगा 119, डैश इस तरीके से। सर लास्ट वाला नंबर कैसे निकालेंगे, देखो अब उसका भी तरीका समझो, 1000 को 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो कितना आएगा ये, अभी किया था मैंने 14, ये आएगा 98, फिर बचा 20, तो 14 7 2 14 दो बारी में 14 कितना बचा 6 बचा ना। अब इस 6 को इस 1000 से माइनस कर दो, मतलब
थाउजेंड माइनस सिक्स तो कितना आ जाएगा ये 994, तो 994 होगा लास्ट नंबर जो 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो 994, दोनों फंडे आपको समझ में आ गए होंगे मेरे ख्याल से, मैंने जो तरीके बताए उसको आपको अच्छे से आपने नोट डाउन कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मिटा देता हूँ ये दोनों फंडे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब अगला देखो क्या कह रहा है, अब हमें इसमें क्या क्या पता चल गया भाई, हमें पता चल गया ए पता चल गया, एन पता चल गया, डी पता चल गया, किसी तरीके से हमें ए एन पता है। तो यहाँ पे क्या पता है मुझे, ए पता है कितना है 105, डी पता है, डी कितना है भाई 7 का मल्टीपल है तो 7 ही होगा, ए एन पता है, ए एन कितना है 994, तो हमें फार्मूला पता है क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना है, देखो ए एन है 994, ए कितना है हमारे पास 105 और प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है 7, तो 105 को इधर ले आओ तो 994 माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। तो यहाँ से होता अगर तो 100 माइनस होते तो 100 होंगे तो ये 894 और उसमें से 5 और माइनस कर देंगे तो 8889 ये आएगा और 7 कहाँ आएगा ये अब डिवाइड में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा एन माइनस 1, तो 889 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 889 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं तो 7 बन जा 7, फिर बचा 18 तो 7 टू जा 14, फिर बचा 4 और 9 तो ये, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 127, तो मतलब 127 इक्वल टू एन माइनस 1, अब ये माइनस 1 इधर आके कितना हो जाएगा प्लस का, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 127 प्लस 1 मतलब 128, एन आ गया, ठीक है। अब यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। अब मुझे एन पता चल गया तो भाई मैं फार्मूला लगा सकता हूँ, कौन सा, एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो अब मेरे पास सारी वैल्यू है, कितनी 126, मतलब इसमें कितने टर्म्स है 128, तो मतलब s 128 निकालने के लिए क्या करेंगे 128 अपॉन 2 और यहाँ से कितना आएगा 2 इंटू ए कितना है, ये है 105 प्लस n कितना है 128 माइनस 1 इंटू 7, तो यहाँ से देखो इसको काट देंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा तो 12 6 भारी में 64 और यहाँ से कितना आएगा 210 प्लस 127, तो 127 की 7 से मल्टीप्लाई तो 7 × 7 = 49, 4 × 7 = 14 और 4 × 18 4 × 7 = 7 और 1 × 8 कितना आएगा 889, तो 889 ये बचेगा ना, ध्यान से देखना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 64 और इंटू अब 8 और 2 10 तो 10 हो गए और 89 तो 1099, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये सोल्व करके आ गया हमारा 70 70336, तो मतलब सम कितना आ जाएगा 70336, बहुत ही शानदार और थोड़ा हटिया क्वेश्चन, ये इसका आंसर है, तो अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अच्छे से समझना, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ उसने ये पूछे थे कि कितने नंबर डिवाइड होंगे, इसमें इसने ये पूछा कि जितने नंबर डिवाइड होंगे 3 digit 7 से उनका सम बताना है, तो ये आंसर आएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो अच्छे से लिखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही प्यारा बहुत ही जानदार क्वेश्चन, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में हिलेगा नहीं, पक्का करके देख लो, चलो वीडियो पॉज करके ट्राई करो क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है, कर लिया ट्राई, अब बताता हूँ देखो क्या कह रहा है। द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी इज इतना एंड इट्स लास्ट टर्म इज इतना, फाइंड द 21st टर्म, हमें पता है 21st टर्म क्या होती है A21, ये क्या होती है A+20D। अब यहाँ पे a निकालना होगा और d निकालना होगा, उन दोनों को यहाँ पुट कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन सर ना तो a पता है ना d पता है, तो कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है सम, तो हमें पता है एस एन नहीं दिया एस एम दिया हुआ है, तो एस एम दिया हुआ है कितना है जी 4m² - m, ठीक है। अब जब भी सम दिया हो और nth टर्म पूछ रहा हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, याद रखना ये कोने में कहीं लिख लो, ए एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1, ठीक है, याद रखना ये कि जब भी हमें सम दिया हो और nth टर्म निकालना हो तो ये वाला फार्मूला लगता है, बहुत काम का फार्मूला है, लेकिन सर यहाँ तो m है, कोई बात नहीं n को m से रिप्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा ये am इक्वल टू
एस एम माइनस एस एम माइनस वन। तो भाई हमें एस एम तो दिया हुआ है, एस एम माइनस वन कैसे निकालेंगे, तो पुट कर दो यहां पे इस इक्वेशन में, पुटिंग पुटिंग एम माइनस वन इन इक्वेशन वन, मतलब m की जगह पुटिंग ऐसे लिखो, पुटिंग m इक्वल टू ऐसे लिखो, पुटिंग m इक्वल टू m माइनस वन इन इक्वेशन वन, m की जगह m माइनस वन लिख दो, तो क्या हो जाएगा ये s m माइनस वन इक्वल टू फोर और ब्रैकेट के अंदर m माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर m माइनस वन। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखो क्या आएगा, फोर यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू एम, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का m और माइनस माइनस प्लस का वन। तो इसको सोल्व करते हैं देखो, तो क्या जाएगा s s m माइनस वन क्या आएगा, देखो ध्यान से फोर को अंदर भेज दो तो क्या आएगा फोर एम स्क्वायर प्लस फोर माइनस एट एम और माइनस m और प्लस वन, ठीक है। अब इसको सोल्व करो तो देखो फोर एम स्क्वायर तो ऐसे ही रहा, 8m और माइनस का 9m, तो क्या इतना जाएगा माइनस का 9m और यहां से प्लस का 4 और प्लस का 1 तो प्लस का 5, तो इक्वेशन 1 और 2 तो sm मिल गया और sm माइनस 1 दोनों मिल गए, तो इस फार्मूले में पुट कर दो इसमें, तो क्या हो जाएगा मेरा a m इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो यहां पे रखो ये तो कितना लिखा हुआ है 4 m स्क्वायर माइनस m ब्रैकेट में और माइनस लगा के ये रखना है 4 m स्क्वायर माइनस 9m प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो ये 4m स्क्वायर माइनस m माइनस 4m स्क्वायर प्लस माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का 9m और माइनस का 5, तो देखो इससे ये कट गया, तो यहाँ पे क्या बच रहा है देखो ध्यान से 8 9m में से एक गए तो 8m और वहाँ पे माइनस का 5, ठीक है ये हो गया मेरा am, ठीक है। अब ध्यान से देखो जो हमारा am है वही तो हमारी क्या होती है लास्ट टाइम होती है, यही हमारी लास्ट टाइम है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी दी है 105, तो इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 105 के इक्वल दी है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 105, मतलब am की जगह, am की जगह 105 इक्वल टू 8m माइनस 5, तो यहां से कितना आएगा इसको इधर ले जाओ तो 105 प्लस 5 इक्वल टू 8m, तो यहां से कितना आ जाएगा 110 इक्वल टू 8m, तो यहां से कितना आ जाएगा 110 अपॉन 8 इक्वल टू m, तो 8 बन जा कितना आ रहा है ये 8 बन जा 8, कुछ गलती हो गई 107 है भैया 107, अरे देखो गलती हो गई 107 है तो 107 और यहां पे भी 107, तो ये कितना हो जाएगा 112, तो 112 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8 बन जा 8 और 3 30, मतलब m कितना आ गया 14, ये आ गया मेरे पास m इक्वल टू 14, मतलब m इक्वल टू 14, m की वैल्यू पता चल गई, क्लियर है यहाँ तक। अब हमसे तो पूछा है, क्या पूछा है फाइंड इट्स 21st टर्म, तो हमें तो m निकल गया, अब m पता चल गया 21 इक्वल टू 8 इंटू 21 माइनस 5, तो ये कितना आ जाएगा 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 168 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा A21, तो मतलब इसकी जो 21st टर्म होगी वो आएगी 163, ये आंसर है। तो देखो कभी कभी आंसर गलत कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, चेक करने के बाद पता चलता है कि अच्छा ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, पीछे वाला भूल जाना ठीक है, क्योंकि वो गलत आंसर आया है, तो अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे एपी का 15, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, 2013 में 4 नंबर का आया हुआ है, ठीक है करेंगे कैसे ध्यान से समझेंगे, क्या क्या रहा है ये देखो, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ऑफ द एपी -12 -9 -6 अप टू 21 एंड इफ वन इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ दिस एपी देन फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द एपी दस ऑब्टेन। क्वेश्चन समझ में आ गया, सिंपल सा है कि हमें क्या दिया हुआ है, ये एपी है, कौन सी है -12 -9 -6 और कहाँ तक जा रही है ये 21 तक, तो हमें इसके नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने का हमें फार्मूला पता है an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमें दिया क्या क्या है वो लिख लो, an दिया हुआ है कितना है जी an इक्वल टू 21,
ए कितना है, ए है हमारे पास माइनस का 12। डी कैसे कितना है, देखो डी कैसे निकालेंगे आप, इसको गलती कर दोगे। डी निकालते वक्त सावधानी बरतना, इसमें से इसको माइनस करेंगे, मतलब माइनस 9 माइनस ब्रैकेट लगा के माइनस 12 इज इक्वल टू इसमें से इसको, तो माइनस 6 माइनस माइनस का 9, तो यहाँ से कितना आ जाएगा डी इक्वल टू माइनस 9 और माइनस माइनस प्लस का 12, और इधर से कितना आएगा माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस का 9, तो अल्टीमेट डी कितना आ गया, डी इक्वल टू 3 इक्वल टू 3, तो डी आ गया। अब इन सबको इस फार्मूले में पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है एन, एन की जगह कितना लिखेंगे 21 इज इक्वल टू ए कितना है माइनस का 12 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना आया हमारा 3। अब क्या करेंगे, इस माइनस के 12 को इधर ले आओ, तो माइनस 21 प्लस 12 इक्वल टू एन माइनस 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 33 इक्वल टू एन माइनस 1 और इधर से 3। अब ये 3 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 33 अपॉन 3 इक्वल टू एन माइनस 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 11 इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो 11 प्लस 1 इक्वल टू एन, तो एन इक्वल टू 12। मतलब ये पता चल गया कि इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, भाई 12 है। अब दूसरी चीज़ देखो क्या कह रहा है, ध्यान से ये पता चल गया ना। अब दूसरी चीज़ की ये कह रहा है कि अगर सब में मैं 1 ऐड कर दूं, तो 1 ऐड करने पे जो नई एपी बनेगी उसका सम निकालना है। तो देखो सिंपल सा तरीका है, अगर मैं 1 ऐड कर दूं या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो नंबर ऑफ टर्म्स पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ये एपी का रूल है कि अगर किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन या डिवीजन कर दो, तो एपी के नंबर ऑफ टर्म्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गए। अब मैं इसको 1 ऐड करता हूं, तो देखो माइनस 12 माइनस 9 माइनस 6 और यहाँ पे कितना है 21, ठीक है इस तरीके से, ठीक है क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखना। सब में प्लस 1 ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और यहाँ पे भी प्लस 1, तो अब क्या बन जाएगी मेरी एपी, देखो ध्यान से माइनस 12 में से 1 गए, तो माइनस का 11 माइनस का 8 और यहाँ से कितना आएगा माइनस का 5 और इस तरीके से चलते चलते यहाँ कितना जाएगा 22। अब हमें पता है सम का क्या फार्मूला होता है, सम इक्वल टू एस एन इक्वल टू एन बाई टू, दो फार्मूले होते हैं ए प्लस ए एन, तो मैं ये लगाऊंगा, क्यों वो वाला नहीं लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि अल्टीमेट जब मेरे पास एन टर्म है तो ये वाला फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे एन कितना है, देखो एन तो वही रहेगा एस 12, तो एस 12 इक्वल टू 12 बाई 2 और ब्रैकेट में कितना आएगा ए कितना है, ए है माइनस का 11 प्लस ए एन कितना है 22, ठीक है तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, तो 12 से ये कट गया कितनी बारी में 6 टाइम में, तो 6 और इधर से कितना बचेगा 22 में से 11 गए, तो प्लस का 11, तो अल्टीमेट कितना आंसर आ गया 66। तो मतलब इस एपी का आंसर कितना है 66। आई बात समझ में, 4 नंबर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, कराने का तरीका ये था बस ये समझ में आ जाए कि भाई आप किसी भी एपी में कोई भी टर्म ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, एपी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बहुत ही शानदार बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, अच्छे से देखना, आ सकता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा चांस है आने के। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, ये भी एपी का एक बहुत ही शानदार और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द 24 टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस इट्स 10 टर्म। इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे ही गलती कर दोगे आप, ठीक है। क्या कह रहा है, जो 24th टर्म है, जो 24th हमें पता है कैसे लिखते हैं जी, हम लिखते हैं ए 24 इक्वल टू क्या है, वो ट्वाइस है, किसका दुगना है, किसका 10th टर्म का, मतलब ए 10, ठीक है। क्या करेंगे अब हमें पता है, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 24 टर्म को कैसे लिखते हैं, ए प्लस 23rd डी इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टर्म को कैसे लिखते हैं, ए प्लस 9d, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, यहाँ से आएगा ए प्लस 23d इज इक्वल टू 2a प्लस कितना गया 9 × 18d, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ और ए को इधर ले जाओ, तो 23rd d माइनस 18d इज इक्वल टू 2a माइनस ए, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5d इक्वल टू ए,
यहाँ पे मेरे को एक रिलेशन पता चल गया ए ओ डी में। अब जो कंडीशन दी हुई है शो डैट, कि शो क्या कर रहा है हमें, 72nd टर्म जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है जी किसके, 4 times 15 टर्म के, ठीक है, 4 times 15 टर्म के, क्लियर है। यहाँ पे ऐसे ना लिखो, इसको ऐसे लिख लो, फोर टाइम फिफ्टीन टर्म, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब भाई हम LHS लेके चलते हैं और उसको RHS के इक्वल कर देंगे, या RHS लेके चलते हैं LHS के इक्वल कर देंगे, तो हम ये लेके चलते हैं क्योंकि इसको तो हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो A और ये कितना आएगा, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 टर्म को A प्लस 14D, क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान से देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये ऐसे ही रहा 4A और यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 14 × 28 × 56, 56D, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से, अब मेरे पास ये रिलेशन है, ठीक है। अब इस रिलेशन को मैं किस तरीके से उस फॉर्म में एडजस्ट कर सकता हूँ, तो अभी मेरे को कुछ देख के समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसको मैं A की जगह अगर 5D लिख दूँ, तो A की जगह अगर मैं 5D लिख देता हूँ, तो इसके इससे मेरा क्या होगा, देखो ध्यान से समझो, ठीक है, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे कितना जाएगा, A की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, 5D, तो ये कितना जाएगा, 4 और ब्रैकेट के अंदर A की जगह 5D, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा प्लस 56D, है ना, तो इज इक्वल टू, या एक और कुछ कर सकते हैं, और ठीक है, तो यही है। चलो इतना भी नहीं करते हैं, हटाओ इसी को यहीं पे रखते हैं, ठीक है, इसकी इसको ऐसे भी ना करो, इसको सिंपल सा ऐसे कर लो, ऐसे लेंथी बेटर है, हम 15 टर्म निकालते हैं, तो 15 टर्म कितनी होगी, 15 टर्म, ये कितनी होगी जी, 15 टर्म होगी A प्लस 14D, ठीक है, और A कितना है यहाँ से, A हमारा है 5D, तो मतलब 5D प्लस 4D, तो कितना आ जाएगा ये, 19D, ये कितना आ गया मेरा, 15 टर्म, तो ये जो है मेरी ये 15 टर्म है, ठीक है, 15 टर्म कितनी है, इतनी। अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा ये, 72nd टर्म जो है वो किसके इक्वल है, वो 4 times 15 टर्म के, मतलब 15 टर्म, ठीक है, 15 टर्म, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 15 टर्म को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो 15 टर्म को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 4D, देखो ध्यान से, 15 टर्म को क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 4D, ठीक है, ध्यान से देखो, इसको मैं इरेज कर देता हूँ फिर से, मतलब जो मेरा ये 72nd टर्म है, ये क्या है मेरा, ये हो जाएगा A प्लस 71D, ठीक है। A कितना है, A देखो यहाँ से लिखो, A को क्या लिख सकता हूँ मैं, कितना है ये, A इक्वल टू 5D, तो A इक्वल टू 5D प्लस 71D, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये, 76D। अब इस 76 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 4 × 19D, ये समझ में आया, मैंने क्यों लिखा ऐसा, क्योंकि यही 90D किसके बराबर के, 15 टर्म के, तो यहाँ से कितना जाएगा, 4 × 15 टर्म, आ गया समझ में, हो गया प्रूफ, मतलब हमारी दो 72nd जो टर्म है वो किसके बराबर आ गई, वो इसके बराबर आ गई, आ गया समझ में अच्छे से। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो अच्छे से नोट डाउन करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 15 क्वेश्चन करवा चुका हूं, और सारे मैंने वही क्वेश्चन करवाए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो चैनल पर जाना, उनको भी देखना, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, है ना, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आएगा कि क्या कह रहा है, ठीक है, देखो क्या कह रहा है, द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स का मतलब, इस एक्सीड का मतलब होता है बढ़ जाना, ये याद रखना, एक्सीड का मतलब बढ़ जाना, इट्स 12th term by 4, ठीक है, इट्स इफ इट्स 7th term is 4, फाइंड द AP, सिंपल सा है। तो AP निकालने के लिए हमें A और D पता चल गया तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले A निकाल लेंगे, फिर D निकाल लेंगे और इससे हम AP बना लेंगे, बिल्कुल। सर उसको कैसे निकालेंगे, A और D को, उसको निकालने का तरीका क्या है, ध्यान से देखो, हमें जो कंडीशन ली हुई है वर्ल्ड प्रॉब्लम में, इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख लो, जो फिफ्थ टर्म है, तो फिफ्थ टर्म हमें पता है क्या होती है, फिफ्थ टर्म जो है, फिफ्थ टर्म वो क्या हो जा रही है, वो 12th term से कितना बढ़ जा रही है, 14,
मतलब एक्सीड का मतलब बढ़ जाना, तो ऐसे लिख सकता हूं मैं 12th टर्म प्लस 14, ये चीज कितने लोगों को समझ में आएगी। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो, 5th टर्म क्या होती है a प्लस 4d, उसी तरीके से 11th टर्म क्या होती है a वो 12th टर्म a प्लस 11d, तो यहां से कितना आएगा प्लस का 14। क्लियर है यहां तक? अब देखो कुछ कट रहा है, बिल्कुल इससे ये कट रहा है, ये लिखा हुआ है ना, हाँ 12th टर्म, ठीक है भाई 14, तो यहां से कितना जाएगा, देखो इस 11 को इधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा 4d माइनस 11d इक्वल टू 14, तो यहां से कितना आएगा माइनस का 7d इक्वल टू 14, तो d इक्वल टू 14 अपॉन माइनस 7, तो मतलब d इक्वल टू माइनस 2। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट भाई? d आ गया मेरा, एक काम हो गया। अब क्या कह रहा है, फाइंड इट्स 7, इट्स 7th टर्म, अब इफ इट्स 7th टर्म, तो 7th टर्म कितनी हुई है इसकी, 7th ए, मतलब ऐसे लिखो कि ए 7th टर्म, मतलब 7th टर्म जो है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 4, और 7th टर्म हमें पता है क्या होती है a प्लस 6d, तो यहां से कितना जाएगा 4, तो a ऐसे ही रहा, 6 ऐसे ही रहा, d हम निकाल चुके हैं, d कितना है माइनस का 2, तो यहां से कितना आ जाएगा 4, तो यहां से कितना आएगा a 6 × 12, तो मतलब माइनस का 12 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू कितना आएगा 4 प्लस 12, तो मतलब a इक्वल टू कितना गया 16। a और d मिल गए, अब हम ep लिख सकते हैं, सिंपल सा ep क्या होती है, पहला टर्म और फिर उसके बाद दूसरी टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, मतलब 16 प्लस ब्रैकेट में माइनस 2, और तीसरी टर्म क्या आएगी 16 प्लस ब्रैकेट में माइनस 2 इंटू 2, मतलब यही होता है ना a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से तो 16 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 16 माइनस 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा 16 माइनस 4, तो ep क्या बन गई 16, 14 और 12, और इस तरीके से ये ep बन गई। आई बात समझ में? तो चार चार नंबर के ये बहुत हल्के हल्के से क्वेश्चन है, इसको करवाने का मतलब यही है कि इसकी जो ये वर्ल्ड प्रॉब्लम है और ये एक्सीड वाला टर्म है, ये बच्चों को एग्जाम में बहुत परेशान करता है, उनको समझ में ही नहीं आता। तो जब भी कुछ ऐसा शब्द हो जो इंग्लिश में आपको परेशान कर रहा हो, तो उसके बगल में उसका हिंदी सोल्यूशन भी लिखा रहता है, मतलब ट्रांसलेट वर्जन भी रहता है, उसको भी आप पढ़ के समझ सकते हो। तो अच्छे से नोट डाउन करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 2017 में 3 नंबर का रखा हुआ है। क्या कह रहा है, द nth टर्म ऑफ एन ईपी इज गिवन बाय, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ द दिस ईपी। अब हमें पता है कि भाई SN निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल टू N by 2 2A plus N minus 1 into D। देखो यहाँ पे हमें N तो दिया हुआ है, क्या कह रहा है 20 टर्म, मतलब N की वैल्यू पता है, मतलब S 20 दिया हुआ है, और यहाँ पे 20 by 2, ठीक है। अब हमें क्या नहीं दिया है, ना A दिया है ना D दिया है, तो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं 2A plus 20 की जगह वो N की जगह 20, तो 20 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से 20 बाई 2, अभी मैंने कुछ काटा नहीं, अभी बताता हूँ क्यों, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2A प्लस 19d, ठीक है। अब किसी तरीके से मैं इसको नाम दे दो, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। अब किसी तरीके से मैं A और D निकाल लूँ और इसमें पुट कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। सर A और D कैसे निकलेंगे, उसके लिए देखो क्या दिया हुआ है, AN दिया हुआ है, तो AN कितना दिया हुआ है, AN इक्वल टू माइनस का 4N प्लस 15, ठीक है, ये ए एन दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जब भी ए एन दिया हो और ए पी बनाना हो तो उसका तरीका क्या है, सबसे पहले ध्यान से देखो, पुटिंग पुटिंग एन इक्वल टू 1, इसमें एन इक्वल टू 1 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा ए वन इक्वल टू माइनस का 4 इंटू 1 प्लस 15, तो कितना आएगा ये माइनस का 4 प्लस 15, मतलब 11। इसी तरीके से पुटिंग पुटिंग n इक्वल टू 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ए टू इक्वल टू माइनस का 4 इंटू 2 प्लस 15, तो कितना आ जाएगा माइनस का 8 प्लस 15, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7। उसी तरीके से पुटिंग पुटिंग n इक्वल टू 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ए थ्री इक्वल टू कितना माइनस का 4 इंटू 3 प्लस 15, तो कितना आ जाएगा ये माइनस का 12 प्लस 15, तो मतलब कितना जाएगा ये 3।
तो एपी मिल गई, एपी क्या है मेरे पास 7, 11, 7 और 3 एपी मिल गई, तो एपी को इसको मिटा देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, चलो 11, 7, 3 डैश डैश डैश। अब यहाँ पे ए पता चल गया, डी कितना है कैसे निकालेंगे, डी निकालने का देखो क्या तरीका है, 7 - 11 = 3 - 7 तो कितना आ जाएगा -4 और यहाँ से भी कितना आ जाएगा -4, मतलब ए और डी पता चल गए भाई, ये मेरे पास ए पता चल गया, ये ए हो गया और ये मेरे पास डी हो गया, ठीक है, ए और डी मिल गया ना देखो, तो ए और डी को वापस से यहाँ पे पुट कर दो आंसर आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, इसको काट लो, ये 10 आ गया, तो ये 10 आ गया और 20 × a कितना आया, a है मेरे पास 11 + 19 × d कितना आया -4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 और ये कितना आ जाएगा 22 और माइनस का 20 × 80 = 76, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 × (-54, क्लियर है यहाँ तक, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर कितना गया, आ गया समझ में, तो ये मेरा फार्मूला है किसका, सम का, S20 का। तो ये बहुत ही शानदार, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था 2017 में, 3 नंबर का आया हुआ है, बहुत आसानी से किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करते हैं मैंने आपको सिखाया, आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 17 क्वेश्चन करा चुका हूं और मैंने वही क्वेश्चन करवाए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं, तो उनको भी जाके देखना, और इससे पहले मैं अब तक रियल नंबर, पॉलीनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अच्छे से करवा चुका हूं, सब में मैंने 25, 20, 25 या 30 वीडियो डाली है, अगर आपने सिर्फ इन्हीं वीडियो को देख लिया तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जान के ये क्वेश्चन मैंने लिया है, क्यों, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन में आप गलती कर देते हो कि समझ में नहीं आता करें डी कैसे निकालें। देखो ध्यान से, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी। अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, रुक जाओ एक मिनट, एक्चुअली क्वेश्चन अधूरा था, मैंने आधे में लिख के छोड़ दिया, अब पूरा हुआ। क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी, ये एपी दी हुई है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स भी बताने हैं, ठीक है, ये -49 है, ध्यान रखना, एंड फाइंड द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म, ठीक है, तो हमें सम निकालना है, तो हमें पता है सम निकालने का क्या फार्मूला था, SN = (n/2) (2a + n-1) (d), और एक और फार्मूला होता है ध्यान से देखो (n/2) (a + an), ठीक है, अब यहाँ पे मुझे a तो दिया हुआ है, an भी दिया हुआ है, किसी तरीके से मैं n निकाल लूँ मेरा काम हो जाएगा, सिंपल सी बात है भाई, a तो पता है, देखो ध्यान से यहीं पे लिख देता हूँ (n/2) (a) कितना है, a ये रहा फर्स्ट टर्म 18 प्लस ब्रैकेट में an कितना है लास्ट टर्म माइनस का 49 राइट 1/2, ठीक है, इसको मैं फर्दर ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको बना सकता हूँ, तो क्या होगा इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो कितना हो जाएगा ये 98 + 1 = 99, तो माइनस का 99/2, फर्दर इसको सोल्व कर सकते हैं, देखो n/2, अब ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये इधर और ये इधर, तो 18 × 2 - 99/2, तो कितना आ जाएगा ये n/2 (18 × 36 - 99/2), ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं देखो ध्यान से, तो SN = (n/2) यहाँ पे कितना आएगा 36 तो 90 तो 60 और 63 कैसा माइनस का और अपोन में 2, ठीक है, मैंने जान के ये क्वेश्चन लिया क्योंकि ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, अब यहाँ पे हम n की वैल्यू रख देंगे तो देखो सब पूरा सॉल्व हो गया ना, अब n कैसे निकालेंगे, AP जो दी हुई है वो लिख लो, तो 18 और ये कितनी है, इसको मिक्स में मिक्स फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन बना लो, तो कैसे बनाएंगे 15 × 30 + 1 = 31 तो मतलब 31/2 और इधर से कितना आ जाएगा 12, ठीक है, और ये कितना है माइनस का 49 / 1/2 और इसको भी मिक्स फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन बना लो, तो ये कितना हो जाएगा, अभी लिखा था मैंने तो एक बड़ा सा साइन लगा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, तो ये है माइनस का 99/2, क्लियर है, अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, अब हमें पता है भाई ए कितना है (a = 18) और an कितना है (an = - 99
अपॉन टू। डी कैसे निकालते हैं, देखो डी निकालने का क्या तरीका है, ये माइनस ये, मतलब 31 अपॉन टू माइनस 18 इक्वल टू 12 माइनस 31 अपॉन टू। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो 31 माइनस 18 इंटू 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू सेम वही चीज, ये इधर तो 12 इंटू 2 माइनस 31 अपॉन 2। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 31 माइनस 36 बट्टे 2 इज इक्वल टू 24 माइनस 31 बट्टे 2। यह है डी, ये सब कितना चल रहा है मेरा डी, तो डी इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा माइनस का 5 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन 2। ठीक है, तो अब हो गया सारी वैल्यू। देखो वैसे डी निकालने की जरूरत नहीं थी यार, डी हमने नहीं जरूरत थी, हमें तो ए एन निकालना है ना, तो ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया। अब फार्मूले में पुट कर देते हैं, किसमें, इसमें ए एन का फार्मूला। तो देखो ये मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये मेरा काम हो चुका है। तो यहाँ देखो तो कितना आ जाएगा, ये ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है, ए एन ये रहा कितना है, ये माइनस का 99 अपॉन 2 इक्वल टू ए कितना है, ए ये रहा 18 प्लस एन हमें निकालना है, और डी कितना निकला माइनस का 5 अपॉन 2 माइनस का 5 अपॉन 2। क्लियर है यहाँ तक, तो सबसे पहले इसको इधर ले आओ, तो माइनस का 99 अपॉन 2 माइनस 18 इक्वल टू एन माइनस वन और माइनस का 5 अपॉन 2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम, तो माइनस का 99 और माइनस का 2 इंटू 18 अपॉन 2 इक्वल टू कितना है एन माइनस वन और इधर माइनस का 5 अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 99 और माइनस का 18 दूनी 36 अपॉन 2 इक्वल टू एन माइनस वन और माइनस का 5 अपॉन 2। अब देखो यहाँ से कितना आएगा, तो ये 36 इसमें आ गए, तो ये 135 माइनस का अपॉन में 2 इज इक्वल टू एन माइनस वन और यहाँ से कितना आएगा माइनस का 5 अपॉन 2। क्लियर है, अब देखो इससे ये कट गया और माइनस से माइनस कट गया, तो अब कितना आएगा, ये 135 अपॉन 5 इक्वल टू एन माइनस वन। तो यहाँ से कितना 135 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 5 दूनी 10 दो बारी में और 3 बचा 35 27। तो n कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 27 प्लस 1 मतलब 28। तो ये पूरा क्वेश्चन था, देखो ये इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन, देखने में कितना हल्का लग रहा था लेकिन इसमें कैलकुलेशन थी, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। अब इस सारी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो sn, तो n कितना आ गया, n तो निकाल ही लिया हमने 28, तो यहाँ पे 28 टर्म है, तो s 28 इक्वल टू 28 अपॉन 2 और ब्रैकेट में कितना आएगा, ये 36 में से वहाँ पे सोल्व कर चुके हैं, तो कितना है वहाँ पे माइनस का 63 अपॉन 2। अब देखो ध्यान से, 2 या 4, 4 को पूरा इसे काट दूँ तो ये कट गया 14 टाइम में और फिर इसे ये कट गया 7 टाइम में, तो 63 की 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख दो चाहो तो 28 और यहाँ पे भी 28। तो इसको सोल्व करके कितना आ रहा है आंसर भाई, 7 21 का 1, हाँ से लगे 2, 6 47 43 44। तो ये इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन का, कैसा, माइनस का, माइनस है, माइनस मिस मत करने को, माइनस का ये था पूरा इसका सॉल्यूशन इतना। तो आपको देखने में कितना आसान लग रहा था लेकिन ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको करवाया। तो अच्छे से नोट डाउन करना, बोर्ड में 3 नंबर का आया हुआ है 2019 में, ठीक है, तो अच्छे से लिखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, करेंगे कैसे बाद की बात है, पहले क्वेश्चन तो समझ ले। इफ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 7 and 49 रिस्पेक्टिवली, इफ सम ऑफ ऑल इट्स सम इज 420, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं, हमें पता है फर्स्ट टर्म कितनी होती है, ए कितना दिया हुआ है जी, वो दिया हुआ है 7, लास्ट टर्म कितनी है ए एन या एल बोल दो, ये कितना दिया हुआ है 49, ठीक है, और एस एन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एस एन इक्वल टू 420, और एस एन का फार्मूला हमें पता है क्या होता है जी, एस एन इक्वल टू मतलब एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये कितना आ जाएगा 420। और एक और फार्मूला होता है क्या, n बाई टू ए प्लस ए एन, ठीक है, इक्वल टू 420।
तो यहाँ पे मुझे किसी तरीके से एन को पुट कर दूँ, मतलब ए और ए एन निकाल लूँ और यहाँ पे पुट कर दूँ, तो मेरा एन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। एन निकालने के लिए हमें डी भी निकालना होगा, तभी तो पता चलेगा कितने टर्म्स हैं। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अपने फार्मूले पे आ जाते हैं, ठीक है। कौन से फार्मूले पे, देखो हमें एक कॉमन डिफरेंस निकालना है तो डी निकालना पड़ेगा। डी निकालने का एक ही फार्मूला है, ये वाला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है, ये रहा 49 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, और डी भी नहीं पता, ए एन पता है कितना है, ये है भाई 7। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 49 माइनस 7 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 42 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब डायरेक्ट ये एन माइनस वन इंटू डी को मैं यहाँ रख दूँ तो मेरा काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। देखो ध्यान से, तो हम इसको यूज कर रहे हैं, तो क्या कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट बहुत ही शानदार, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, चार नंबर का रखा है दो बार, 2016 और 2019 में। बच्चा परेशान हो जाएगा कि करे कैसे, ठीक है, ध्यान से देखना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये इस पूरी वैल्यू को यहाँ पे रख दे रहा हूँ इसमें डायरेक्ट। तो n माइनस वन इंटू डी को देखो मैं गोला बना देता हूँ ताकि आपको समझने में आसान आ जाए। ये n माइनस वन इंटू डी को यहाँ पे रख देता हूँ मैं डायरेक्ट इसमें, इतने में तो मेरा n बचेगा, सिर्फ n बचेगा तो n निकल जाएगा, n को वापस से यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरा d निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, ठीक है, क्या रख रहा हूँ देखो, तो n बाई टू और यहाँ पे कितना है, 2a निकाल चुका हूँ मैं, a कितना है, a है 7 प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो डायरेक्ट कितना आएगा, ये 42 इक्वल टू कितना आ रहा है, ये 420, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, n बाई टू 7 × 2 = 14 प्लस 42, ठीक है, इक्वल टू 420। तो यहाँ से कितना जाएगा, n बाई टू और ये कितना जाएगा, 42 और 56, ठीक है। तो देखो ये इससे कट जा रहा है, कितनी बारी में, 56 मतलब 28 बारी में, ठीक है। तो इधर कितना आ जाएगा, 420। अब ये कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 420 अपॉन मल्टीप्लाई में, तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। अब ये दोनों 7 से कट रहे हैं, देखो तो 7 से कट गया ये, तो 6 × 7 = 42 और ये कट गया इससे 7 से, तो 4। अब ये फिर कट गया तो कितना आ जाएगा, ये कट के कितना आ जाएगा, 15 मतलब n निकल गया भाई, n मेरा कितना है, 15। अब वापस से n को यहाँ पुट करो, ठीक है, वापस से n को यहाँ पुट करना है क्योंकि मुझे d निकालना था। तो कितना आ जाएगा, ये 42 इंटू n, n कितना आ गया, 15, तो 15 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 42 इक्वल टू 15 में से एक गए तो 14 और इंटू डी, तो कितना आ जाएगा, 42 अपॉन 14 इक्वल टू डी, तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। तो देख लिया कितना ज़बरदस्त ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और ये उलझाने वाले क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा परेशान कर देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, ये चीज़ एकदम से स्ट्राइक नहीं होगी कि n माइनस वन इंटू डी को डायरेक्ट यहाँ पुट कर दूँ, ठीक है। अच्छे से समझना, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये, मैंने बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूँ कि इससे पहले अब तक मैं 19 क्वेश्चन करा चुका हूँ एपी के, तो उनको भी जाके देखो, मैंने वही क्वेश्चन कराया है जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। और इससे पहले मैं अब तक रियल नंबर, पॉलीनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अच्छे से करवा चुका हूँ। मैंने वही क्वेश्चन करवाया है जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आए हैं और हार्डली 25, 20 या 30 मैक्सिमम वीडियो है उसी में से क्वेश्चन आएगा, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो उनको भी जाके देखो, बहुत ही अच्छी वीडियो है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, 2019 में 4 नंबर का आया हुआ है, मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा कि आप गलती कहां कर रहे हो, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। वीडियो को पूरा देखना तभी गलती मिलेगी। क्या कह रहा है, द सम ऑफ द 3 नंबर्स आर इन एपी इज 12। हमें पता है एपी में जब भी 3 नंबर लेने हो तो हम क्या लेते हैं, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, ठीक है। जब भी 3 नंबर लेने हो एपी में ये लेते हैं, ठीक है, और इनका सम दिया हुआ है, सम दिया हुआ है मतलब इन तीनों का सम कितना दिया है, 12। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, तीनों का सम कितना दिया हुआ है, 12। अब आगे देखो क्या कह रहा है, एंड सम ऑफ, पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। देखो तो इस डी से ये डी कट गया तो ए ए ए कितना हो गया, 3a इक्वल टू 12, तो मतलब a इक्वल टू 12 अपॉन 3 मतलब a इक्वल टू 4, ये हो गया मेरा पहला, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, एंड सम ऑफ देयर क्यूब, सम ऑफ देयर क्यूब मतलब इनके क्यूब का सम, मतलब क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझना, इसका क्यूब मतलब a माइनस डी का क्यूब प्लस इसका क्यूब,
ए का क्यूब प्लस ए प्लस डी का क्यूब, ए प्लस डी का क्यूब, इन तीनों के क्यूब का सम दिया हुआ है कितना 288। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ मुझे देख के लग रहा है ए माइनस बी का क्यूब और ए प्लस बी का क्यूब, तो क्या होता है ये ए प्लस बी का क्यूब इक्वल टू क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ध्यान रखना। और a माइनस बी का क्यूब क्या होता है यहाँ देखो, तो ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, और यहाँ पे प्लस होता है, ध्यान रखना यहाँ पे प्लस होता है थ्री ए बी स्क्वायर। ठीक है, सेम यही फार्मूला यहाँ पे लग रहा है बिल्कुल, इसको खोल देते हैं। तो b की जगह b को किससे रिप्लेस किया गया है d से, तो यहाँ देखो तो क्या आ जाएगा ये ए क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर डी, और यहाँ पे प्लस का थ्री ए डी स्क्वायर, और यहाँ पे ए क्यूब ऐसे ही रहा प्लस में, ए क्यूब ऐसे ही रहा प्लस। अब इसको खोलेंगे, इसको किससे खोलेंगे इससे, तो क्या आएगा देखो ध्यान से ए क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर डी प्लस थ्री ए डी स्क्वायर इक्वल टू कितना है 288। अब ध्यान से देखो ये पूरी एक ही टर्म्स है, बोर्ड पे जगह नहीं बची है तो इसलिए लिख नहीं पाया मैं, तो देखो ध्यान से कुछ कट रहा है, किससे कट रहा है इससे, इस पूरे से ये पूरा कट गया। ठीक है, और इसी तरीके से इस डी से ये डी कट गया, और कुछ कट रहा है नहीं, और कुछ नहीं कट रहा है। देखो ध्यान से अब ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब मतलब कितना हो गया थ्री ए क्यूब, अब यहाँ देखो ए थ्री ए डी स्क्वायर प्लस थ्री ए डी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा ये सिक्स ए डी स्क्वायर, और ये कितना है 288। अब यहाँ पे ए की वैल्यू पता है मुझे, ए की वैल्यू कितनी है 4, तो मैंने इसको ऐसे ही रखा, यहाँ पे क्या रख दिया 4 की क्यूब प्लस 6 इंटू 4 इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू 288। क्लियर है यहाँ तक? अब ये देखो 3 ऐसे ही रहा है ना, इसको 4 का क्यूब 64, ठीक है, प्लस यहाँ से 24 डी स्क्वायर इक्वल टू 288, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास 120 132। ठीक है, 4 3 12 6 6 3 18 192 आएगा, कितना आएगा 192 प्लस 24 डी स्क्वायर इक्वल टू 288। क्लियर है यहाँ तक? बहुत शानदार क्वेश्चन है, मैं चलो ध्यान से समझना। ठीक है, अब ये मेरा काम हो चुका है, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसका मुझे काम नहीं है, क्योंकि मुझे वो सोल्व करना है। तो ठीक है, देखो ध्यान से ये मेरा काम हो गया ना पूरा, अब वहाँ से देखो क्या हो रहा है, वो इस 192 को उधर ले गया मैं, तो 288 माइनस 192 इज इक्वल टू में कितना बचेगा 24 डी स्क्वायर, ये बच रहा है, इस 192 को उठा के मैं उधर ले गया, तो इसको कितना आएगा ये 24 डी स्क्वायर इक्वल टू 96, तो यहाँ से क्या आएगा डी स्क्वायर इक्वल टू 96 अपॉन 24, मतलब ये पूरा पूरा किससे कट गया 4 से, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आएगी, देखो स्क्वायर है तो पहले प्लस माइनस फिर अंडर रूट 4, तो यहाँ से d कितना आ गया प्लस माइनस 2, मतलब d की दो वैल्यू आई, d इक्वल टू 2 और d इक्वल टू माइनस 2, मतलब दो ap बनेगी। देखो अगर आप इसमें प्लस वैल्यू ले रहे हो तो आप ap को इंक्रीजिंग मान ले रहे हो ऑलरेडी, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ap को उसने इंक्रीजिंग दिया ही नहीं है, उसने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहीं लिखा थोड़ी ना है। तो देखो अगर मैं d को 2 ले रहा हूँ तो मैं क्या कह रहा हूँ टेकिंग d इक्वल टू प्लस 2, d की वैल्यू मैंने प्लस 2 रख ली, तो यहाँ पे रख दो तो टर्म्स क्या बनेगी, देखो a कितना आया था, a हमारा आया था, ये तो भूल गया यार हमारा, ये कितना आया था एक मिनट रुकना, तीनों को ऐड कर दिया 12 के इक्वल का ए 4 आया था, ठीक है हाँ 4 आया था, तो ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 कोमा 4, और यहाँ से कितना आएगा 4 माइनस 2, तो ये एपी कितनी बन गई 6 4 2, ये क्या है डिक्रीजिंग एपी। अब मैं दूसरी वैल्यू क्या ले रहा हूँ टेकिंग डी इक्वल टू माइनस 2, अब देखो क्या होगा यहाँ पे रखो, तो ए कितना था 4 माइनस माइनस 2, ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा ए कितना है 4, और यहाँ से कितना था ये 4 प्लस ब्रैकेट में माइनस 2, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो 4 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2, और यहाँ से कितना आएगा 4, और यहाँ से कितना आ रहा है 4 प्लस माइनस माइनस का 2, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 6 4 2, और यहाँ से कितना आएगा रुक जाओ, दोनों जगह सेम ही आ रही है, सेम कैसे आ सकती है, यहाँ पे ए 2 रखा तो प्लस का,
अरे यहाँ पे उल्टा हो गया, देखो ये एक मिनट हो गया बेचारा, ठीक है ये प्लस का रखेंगे तो प्लस का तो ये तो ऐसे ही रहेगा, रुक जाओ देखो इसको कर लेते हैं, रुक जाओ देखो देखो मिस्टेक मिक्स, प्लस का टू रखेंगे तो क्या आएगा ये फोर माइनस और प्लस टू, ठीक है और यहाँ पे ये एक हो गया पहला और दूसरा देखो ये है फोर और तीसरा कितना है फोर, डी प्लस में रख रहे हैं ना तो प्लस टू, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये तो फोर माइनस टू तो मतलब टू और यहाँ से फोर और यहाँ से सिक्स तो दो बनेगी ये ए पी, टू फोर सिक्स और फोर सिक्स टू मतलब डिक्रीजिंग भी और इंक्रीजिंग भी, तो अच्छे से समझना ये था उसमें जो मिस्टेक आपसे हो सकती थी, देखो मेरे से भी मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन तो आपसे तो होना स्वाभाविक सी बात है, तो अगर आपने ये नहीं किया तो यामिनी आपको पूरे मार्क्स नहीं देगा, अच्छे से समझना बहुत ही शानदार और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन ऐसा मैं आपको करवाता हूँ जो अगली वीडियो में आएगा उसको भी जरूर ध्यान से देखना, समझ में आया तो अच्छे से देखना एक एक पॉइंट समझना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूँ इससे पहले अब तक मैं 20 क्वेश्चन करा चुका हूँ और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं तो उसको भी नोट डाउन करना, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 2018 में चार नंबर का आया हुआ है, ठीक है क्या कह रहा है, इन एन ए पी इफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, फर्स्ट एन टर्म का सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एस एन, एस एन इक्वल टू कितना है 3n² + 5n, ठीक है ध्यान रखना यहाँ पे चाहो तो नोट डाउन करके लिख लेना कि जब भी हमें एस एन दिया हो तो उससे ए एन निकालने का nth टर्म निकालने का क्या फार्मूला होता है, वो होता है an इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ये हो गई इक्वेशन वन और ये है हमारा फार्मूला, आपकी बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में टेस्ट बुक में, ठीक है तो एस एन तो मुझे पता है एस एन माइनस वन कैसे निकालूं, तो इसी इक्वेशन में क्या लिख रहा हूं मैं पुटिंग n इक्वल टू एन माइनस वन इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में क्या रख रहा हूं n की जगह n माइनस वन, तो एस एन माइनस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा देखो 3 और ब्रैकेट के अंदर n माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 5 और ब्रैकेट में n माइनस वन, इसको सोल्व करते हैं देखो तो 3 ऐसे ही रहा, यहाँ से कितना जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर तो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2n और यहाँ से कितना आएगा प्लस का 5 अंदर गया तो 5n माइनस 5, इस 5 की इससे मल्टीप्लाई इस 5 की माइनस 1 से, इसको अब 3 को अंदर भेज दो बारी बारी से तो 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 5n माइनस 5, अब इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा एस एन माइनस वन कितना आएगा देखो 3n स्क्वायर तो एज इट इज रहा है इसके जैसा कुछ है ही नहीं, देखो 5 माइनस के 6n में से प्लस के 5n गए तो मतलब प्लस माइनस का n बचेगा सिर्फ माइनस का n और यहाँ देखो 3 में से माइनस 5 गए तो माइनस का 2 तो ये हो गई इक्वेशन 2, इन दोनों वैल्यू को अभी इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ मैं जो an है मेरा, ठीक है तो an इक्वल टू क्या है एन इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर sn, sn कितना है 3n स्क्वायर प्लस 5n आ गया यहाँ तक और माइनस लगा के ब्रैकेट का यूज करना, क्या लिखना है ये 3n स्क्वायर माइनस का n और माइनस का 2, ठीक है अब देखो क्या होगा यहाँ से an तो an इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का n और ये भी प्लस का 2, तो देखो इस 3n स्क्वायर से ये 3n स्क्वायर कट गया तो यहाँ से an, an इक्वल टू कितना जाएगा 3n और प्लस का ये n तो मतलब 6n प्लस 2, क्लियर है यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है, इसकी जो kth टर्म है वो कितनी है 164, तो अगर मैं n को k से रिप्लेस कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि भाई जो n टर्म होती है वही और n को k से रिप्लेस कर रहा है तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ रिप्लेस n इक्वल टू k, तो यहाँ से k टर्म कितनी हो जाएगी a इंटू k इक्वल टू 6k प्लस 2, क्लियर है यहाँ तक, अब इसी a k की वैल्यू दी हुई है k टर्म की वैल्यू कितनी है 164, तो यहाँ पे कितना जाएगा 164 इक्वल टू 6k प्लस 2, अब ये 2 कहाँ आएगा यहाँ माइनस में तो कितना आ जाएगा ये 164 माइनस 2 इक्वल टू 6k, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 162 इक्वल टू 6k, अब यहाँ से कितना जाएगा 162 अपॉन 6 इक्वल टू k, तो देखो अब इसको सोल्व करेंगे तो k डायरेक्ट सीधा आ जाएगा तो ये आ गया k इक्वल टू 6
छः दुनी 12, दो बारी में 4 और 2, 6 सत्ते 42, तो K की वैल्यू 27 होगी। बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, 4 नंबर का, अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 21 क्वेश्चन करा चुका हूं और एपी के मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो चैनल पर जाना, उनको भी जाके नोट डाउन करना। और इससे पहले मैं रियल नंबर, पोलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको भी करवा चुका हूँ। हार्डली मैंने 25-25 या 30-30, 20-20 क्वेश्चन करवाए हैं, उनको भी जाके देखो। अगर आपने मेरे यही क्वेश्चन देख लिए तो आपको कोई एक्स्ट्रा बुक, कोई एग्जाम्पलर, कोई आर डी शर्मा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई प्रीवियस ईयर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को कर लो, 80 आउट ऑफ 80 आने से आपको कोई नहीं रोक सकता, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 23, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बहुत लंबा है, लेकिन ये 4 नंबर का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का। ध्यान रखना करेंगे कैसे, ध्यान से देखो। द सम ऑफ द 4 कंसेक्यूटिव नंबर इन एन एपी इज 32। तो जब भी एपी में 4 कंसेक्यूटिव नंबर मान्य होते हैं तो वो हम क्या लेते हैं, वो लेते हैं हम ए प्लस डी इधर, और यहाँ पे क्या लेंगे ए माइनस डी, और फिर क्या होगा इधर से a प्लस 3d, और इधर क्या लेंगे a माइनस 3d, ठीक है। ध्यान रखना, अब इसमें ये क्या कह रहा है, ध्यान से, यहाँ पे 2d नहीं होता, 3d होता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, इनका सम, इन चारों का सम कितना है 32, तो इन सबको ऐड कर देते हैं, तो a माइनस 3d प्लस a प्लस d और प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इक्वल टू कितना दिया हुआ है 32। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो जो जो कट रहा है उसको काट देते हैं, देखो ये माइनस प्लस का 3d और ये माइनस का 3d कट गया, और ये a माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस से ये माइनस कट गया। अब क्या बचा, देखो a a a a मतलब 4a, चार बार ये आया ना, तो मतलब 4a इक्वल टू 32, तो a यहाँ से कितना आ गया 32 डिवाइडेड बाई 4, मतलब a इक्वल टू 8। एक तो ये काम हो गया मेरा कि ए आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इतना मैंने कर लिया ना, ध्यान से समझना, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मेरा काम हो गया। बस हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं कि जो ए आया हमारा, ए इक्वल टू 8 आया, ताकि याद रहे, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब इसी के आगे देखो क्या कह रहा है, ध्यान से, ठीक है। वो ये क्या कह रहा है कि एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, तो ये फर्स्ट ले लिया और ये लास्ट ले लिया, इनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई टू द प्रोडक्ट ऑफ मिडिल, मतलब मिडिल, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है रेशियो में 7:15। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, a माइनस 3d एक ब्रैकेट में, और यहाँ से a प्लस 3d, और अपोन में क्या आएगा देखो ध्यान से a माइनस डी, और इधर से क्या आएगा a प्लस डी, और इसका कितना दिया हुआ है 7/15। ध्यान से, ये कई बार इसको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन भी बोल देता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो, इस पर कुछ कुछ हमें फार्मूला दिख रहा है क्या, a प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ पे भी a प्लस बी ए माइनस बी, तो a की जगह a है, b की जगह 3d है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस 3d का होल स्क्वायर, ठीक है। अपोन में क्या आएगा देखो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा ये 7/50। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या नहीं होगी। अब इसको सोल्व कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपोन ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना 7/15। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, तो आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखो, 15 इंटू ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, और इधर से कितना आ जाएगा 7 इक्वल टू ए स्क्वायर और माइनस का डी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, अब अंदर भेज दो, तो 15 ए स्क्वायर माइनस 15^135 डी स्क्वायर, ठीक है। इस 15 की एक बार इससे और इस 15 की इससे, इसी तरीके से 7 ए स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, a वाले एक तरफ, d वाले एक तरफ, ठीक है। अलग मार्कर से मैं समझा देता हूँ आपको, ये इधर ले आएंगे a वाले को और d वाले को उधर ले जाएंगे, ठीक है, इसको उधर ले गए, तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखना, ये हो जाएगा मेरा 15 ए स्क्वायर माइनस 7 ए स्क्वायर इक्वल टू
माइनस का 7d² और प्लस का 135d². क्लियर है? यहाँ से कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 15 8a² इक्वल टू, इधर से कितना आएगा, 7 गए 128 128d² तो ये कहाँ जाएगा, 8 अब डिवाइड में, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 128 अपॉन 8d². तो देखो ये पूरा पूरा कट जाएगा इससे, कितना 8 का 8 और बचे 4 48 आइए, तो इधर से कितना आ गया, देखो अब ये मिटा देता हूँ, मेरा ये काम हो गया, ये मेरा पूरा काम हो गया, ठीक है? तो देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से समझना, तो क्या आ जाएगा ये ए स्क्वायर इक्वल टू 16d². अब ए की वैल्यू रख दो, ए कितना है 8, मतलब 8 का स्क्वायर इक्वल टू 16d², तो यहाँ से कितना आ जाएगा 64 इक्वल टू 16d², तो यहाँ से कितना आ जाएगा 64 अपॉन 16 इक्वल टू d², ये इसे कट गया 4 टाइम में, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस अंडररूट 4, तो मतलब d इक्वल टू दो वैल्यू आई प्लस माइनस 2। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे ये समझाना था मुझे आपको मेनली, अब d की दो वैल्यू आई है, है ना? अब देखो d की दो वैल्यू आई है, इसका मतलब यहाँ पे दो AP बनेगी, एक नहीं, है ना? क्यों, किस तरीके से, यहाँ देखो मैं समझाता हूँ, मैंने आपको पहले बोला था ना, तो अब यहाँ पे ले लेते हैं पुट की, टेकिंग d इक्वल टू 2 प्लस का 2 और a तो है ही हमारे पास, a कितना है, a इक्वल टू 8, यहाँ पे रख दो वैल्यू, तो 8 माइनस 3 इंटू 2 एक ब्रैकेट में कोमा 8 माइनस 2 एक ब्रैकेट में, और यहाँ से क्या आएगा 8 प्लस 2 और यहाँ से कितना आ जाएगा 8 प्लस 3 इंटू 2, तो ये कितना आ गया, देखो ध्यान से 8 में से 3 टू 6, तो 8 में से 6 गए 2 और यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा 6, यहाँ से कितना आएगा 10 और यहाँ से कितना आएगा 14। एक तो ये AP बनी, ठीक है, दूसरी AP दिखाता हूँ, ये मिटा देता हूँ क्योंकि इसका मुझे काम हो चुका है, ठीक है? एक तो ये AP बनी, अब दूसरी AP देखो, दूसरी AP क्या होगी, टेकिंग d इक्वल टू माइनस 2, तो इसमें क्या होगा, देखो ध्यान से इसमें क्या होगा, यहाँ पे रखें तो 8 माइनस और माइनस का एक मिनट 3 है ना, हाँ तो 8 माइनस 3 इंटू माइनस का 2, ये तो एक बनी ये वाली, ठीक है? और दूसरी देखो यहाँ पे कितना है 8 माइनस d कितना है माइनस का 2 और यहाँ पे कितना आएगा, देखो 8 और प्लस ब्रैकेट में माइनस का 2 और लास्ट कितना है 8 प्लस 3 इंटू माइनस 2, तो यहाँ से देखो दूसरी AP क्या बनेगी 8 और ये माइनस का 2 और माइनस का 3, तो मतलब प्लस का 6 कोमा इधर से कितना आएगा 8 माइनस माइनस प्लस का 2 और यहाँ पे क्या बनेगा 8 और प्लस माइनस माइनस मतलब माइनस का 2 और यहाँ पे भी क्या आएगा 8 माइनस 6, तो दूसरी AP क्या बनेगी देखो 14 और 10 और 6 और 2, तो देखो ये भी AP बनेगी। इस केस में क्या हो रहा है कि आपने AP को इंक्रीजिंग मान लिया, नहीं इस केस में AP को इंक्रीजिंग नहीं मान सकते, यहाँ पे कहीं लिखा भी नहीं है कि AP इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो इसमें दोनों आंसर होंगे, क्यों देखो मल्टीप्लाई करके देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है ये 14 इंटू 2 अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो 6 इंटू 10, क्या रेशियो 5:7 आ रहा है, बिल्कुल 7:15 आ रहा है बिल्कुल, यार देखो यहाँ से काट कट कर लो 2 बन जा 2 5 जा और इसको कट कर लो 3 जा और 7 जा, तो यहाँ से भी देखो 7:15 रेशियो आ गया ना देखो 5 और यहाँ से भी वही आएगा। तो अब ये समझ में आया ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों करवाया, बहुत ही शानदार और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, 99.99% बच्चों इस क्वेश्चन को आप आधा ही करके छोड़ दोगे, इसलिए इसको ध्यान से समझना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है 4 नंबर का, एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछेगा तो उसकी मेंटेलिटी यही होगी पूछने के पीछे, क्या आपको ये दोनों AP पता है कि नहीं, क्या आपने उसको इंक्रीजिंग मान लिया, क्या आपने उसको डिक्रीजिंग मान लिया, तो अगर आपने इसको गलत तरीके से कर दिया तो आंसर नहीं आके देगा ये, तो अच्छे से देखना, वीडियो बहुत शानदार है ये, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। देखेंगे AP का 2012 में 4 नंबर का आया हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कभी कभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी हमसे गलत हो जाते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है या हमें समझ में नहीं आता, उसी कैटेगरी का ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना करेंगे कैसे, बहुत तसल्ली से तभी ये समझ में आ जाएगा कि करना कैसे। क्या कहना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स इज हाफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म, मतलब ये लाइन समझो ये वाली, क्या कह रहा है ये, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म है ना, उसके बाद देखो अगले इसके आगे क्या कह रहा है,
इज हाफ द सम ऑफ द नेक्स्ट फोर टर्म। ठीक है, इसका मतलब ये कह रहा है कि भाई हमें एपी की फर्स्ट फोर टर्म, तो क्या होगी वो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, ये हो गई। और नेक्स्ट फोर टर्म क्या होगी इसके आगे, अलग हम पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ए फाइव ए सिक्स ए सेवन ए एट, ये होती है ना आठ टर्म। क्यों आठ कैसे होगी भाई, देखो शुरू के चार है और फिर नेक्स्ट चार है तो उसके बाद ही तो होगी। अब वो क्या कह रहा है ध्यान से समझो कि सम ऑफ इट्स फर्स्ट फोर टर्म, मतलब इन फर्स्ट फोर टर्म का सम, इन चारों का सम इज हाफ द सम ऑफ द नेक्स्ट फोर टर्म, मतलब इन चारों के सम का आधा है। तो कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से, तो मैं यहाँ से क्या लिख रहा हूँ ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर इज इक्वल टू वन बाई टू, यहाँ से क्या आएगा ए फाइव प्लस ए सिक्स प्लस ए सेवन प्लस ए एट। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें पता है इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, एपी की फर्स्ट टर्म क्या होती है हमें पता है, फर्स्ट टर्म ए होती है, फिर प्लस सेकंड टर्म, देखो अलग अलग मार्कर से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, सेकंड टर्म क्या होती है ये होगी ए प्लस डी। ठीक है, फिर प्लस थर्ड टर्म क्या होती है, थर्ड टर्म देखो यहाँ पर थर्ड टर्म होती है ए प्लस टू डी। ठीक है, फिर प्लस फोर्थ टर्म क्या होगी, फोर्थ टर्म होगी ए प्लस थ्री डी। यहाँ तक क्लियर है मेरे ख्याल से, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक बहुत सिंपल सा है। उसी तरीके से इसी तरह यहाँ पे भी वन बाई टू ए फिफ्थ, ए फिफ्थ क्या होगी ए प्लस फोर डी, फिर प्लस फिर देखो ध्यान से ए सिक्स, ए सिक्स क्या होगी यहाँ पे लिख रहा हूँ ए प्लस फाइव डी। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे देखो ए सेवन क्या होगी ए सेवन, तो ये ए प्लस सिक्स डी होगी, फिर प्लस एक बच गई कौन सी ये वाली ए एट, तो ए एट को क्या लिख रहा हूँ मैं ए प्लस सेवन डी। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे ए ए वाले एक तरफ एक साथ और डी डी वाले एक तरफ, तो देखो ए ए ए ए कितने हो गए फोर ए, प्लस डी वाले कितने डी टू डी थ्री डी, मतलब तीन चार पाँच और एक छः, मतलब सिक्स डी, प्लस ओ प्लस कह रहा हूँ ये तो हो गया इज इक्वल टू वन बाई टू, यहाँ पे देखो ए ए ए ए मतलब फोर ए प्लस फोर डी और फाइव डी नाइन डी, नाइन और फाइव कितने हो गए नाइन और फाइव फिफ्टीन डी और ए तो मतलब फिफ्टीन ट्वेंटी टू डी, ट्वेंटी टू डी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो टू कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो टू कॉमन ले लिया तो मैंने क्या बचा 2a प्लस 11d। ठीक है, अब इस 2 से ये 2 कट गया और यहाँ क्या बच रहा है 4a प्लस 60। अब क्या करेंगे d वाले एक तरफ, मतलब d को इधर और 2 को इधर, तो कितना आ जाएगा ये 4a माइनस 2a इज इक्वल टू 11d माइनस 60, और यहाँ से कितना आ रहा है ये 2a इज इक्वल टू 5d, और a की वैल्यू दे रखी है हमें, a कितना है यहाँ देखो हुज फर्स्ट टर्म इज 5, तो मतलब 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू डी। क्लियर है? अब देखो इस 5 से ये 5 कट गया तो d कितना आ गया d इक्वल टू 2 आ गया। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ कैलकुलेशन करवा रहा था आपको, ये चेक कर रहा था कि आपको कैलकुलेशन सही से आती है कि नहीं। चार नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन भी आते हैं, देखने में हमें मुश्किल लगते हैं, क्यों इसको हम कर नहीं पाते सही से, तो अच्छे से देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं ये बता दूँ कि इससे पहले अब तक मैं 24 क्वेश्चन करा चुका हूँ और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं, तो चैनल पर जाना प्लेलिस्ट खोलना उसमें सारी वीडियो आपको लाइन से मिल जाएगी। और इससे पहले अब तक मैं रियल नंबर पॉलीनोमियल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी करा चुका हूँ, हार्डली 25-30 क्वेश्चन करवाए हैं, तो उन वीडियो को भी देखना। आपने अगर इन्हीं वीडियो को देख ली तो 80 आउट ऑफ 80 आपके आने से कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 2011 का एक और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, क्या कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन एपी इज 40 एंड डेट ऑफ फर्स्ट 14 टर्म इज 280 फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म। तो हमें क्या निकालना है फर्स्ट एन टर्म का सम, क्या होता है भाई एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस
एन माइनस वन इन टू डी, ये होता है ना। अब किसी तरीके से मैं ए और बी निकाल लूं और यहां पे पुट कर दूं तो मेरा सम आ जाएगा, क्योंकि एन टर्म का सम पूछ रहा है। ए और डी दो वेरिएबल है, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि जितने वेरिएबल होंगे उतनी इक्वेशन चाहिए, मतलब मुझे दो इक्वेशन चाहिए। अब दो इक्वेशन कहां से मिलेगी, यहां से मिलेगी। देखो क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म, मतलब क्या दिया हुआ है, एस फोर, ठीक है, यहां पे रख दो फोर की जगह, तो यह कितना एन की जगह, तो फोर बाई टू, यहां से कितना है हमें ए पता नहीं, तो टू ए प्लस फोर, एन की जगह कितना है फोर, फोर माइनस वन इन टू डी, तो यहां से कितना जाएगा, देखो ध्यान से, ये कट गया इससे, टू टू या फोर, तो टू ऐसे ही रहा, कितना जाएगा टू ए प्लस, यहां से थ्री बचेगा तो थ्री की डी से, तो थ्री डी, अब टू को अंदर भेज दो तो कितना जाएगा ये एस फोर, एस फोर, तो टू अंदर जाएगा तो टू टू या फोर ए प्लस सिक्स डी, ये हो गई इक्वेशन वन। अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, अब कह रहा है वो फर्स्ट फोर्टीन टर्म, मतलब एस फोर्टीन, तो यहाँ पे n की जगह 14 रख दो, तो 14 बाई टू, ठीक है, ब्रैकेट में क्या आएगा 2a प्लस 14 माइनस वन इन टू डी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो ये इससे कट गया तो ये आ जाएगा 7, तो 7 इक्वल टू कितना होगा 2a प्लस 13 डी, क्लियर है यहाँ तक, 7 को अंदर भेज दो तो कितना आ जाएगा ये s 14 और ये भी s 14, तो ये कितना आएगा 14a प्लस 13 97 91 डी, ये हो गई इक्वेशन टू। अब इक्वेशन वन और टू को मुझे सोल्व करना है, देखो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो इसके कोफिशियंट बराबर करने का एक ही तरीका है कि इसको मैं किसी तरीके से 7 और 14, तो इसको मैं किसी तरीके से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और इसको मैं किसी तरीके से 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, और 7 से, तो मेरा काम बन जाएगा बिल्कुल। यहाँ क्यों, देखो 7 4 जा 28 और 14 2 जा 28, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या कि एस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 4 28 ए प्लस 6 7 42 डी, ये हो गई ना इक्वेशन। अब ये हो गई, यहाँ पे कितना आएगा, देखो यहाँ पे भी एस 14 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 ए प्लस 91 में से ये गए तो ये आ जाएगा 182 डी, ये हो गई, ये हो गई इक्वेशन फोर, और ये हो गई इक्वेशन थर्ड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फोर, ठीक है, मतलब थर्ड में से फोर को माइनस कर रहा हूँ। तो माइनस करने का क्या तरीका है, LHS LHS से, RHS RHS से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, ये आ जाएगा मेरे पास, ये कितना दिया हुआ है, हाँ ये तो दिया ही हुआ है दोनों मेरे को, रुक जाओ एक गलती हो गई, ठीक है, यहाँ पे एक गलती हो गई, इधर रुक जाओ, ए यहाँ पे भी, भाई ये तो दिया ही हुआ है मुझे, कितना दिया हुआ है ये इसकी, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मुझे 40 इक्वल टू 40, और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मुझे 280, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, यहाँ पे 280 की 2 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये मुझे ये दिया हुआ है 14 टर्म का सम, कितना दिया हुआ है 280, तो 280 की इस 2 से भी तो मल्टीप्लाई होगी, तो ये कितना होगा 28 2 56 560, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 से, तो 7 4 28 280, ठीक है। अब मैं माइनस कर रहा हूँ, तो किस में से, इसमें से इसको, तो ध्यान से देखना 280 माइनस 560 LHS LHS से और RHS RHS से, तो यहाँ पे देखो 28A प्लस 42D, अब माइनस करेंगे तो इसके दोनों के साइन बदलेंगे, मतलब माइनस का 28A और माइनस का 182D। अब देखो कुछ कट रहा है, ये से ये कट गया, यहाँ से कितना आएगा, ये 280 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा 140, कितना आएगा 140 इंटू डी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 280 अपॉन 140 इक्वल टू डी, तो यहाँ से ये कट गया कितनी बारी में, तो डी कितना आ गया 2, तो डी मेरा आ गया भाई, सिंपल सी बात है, डी आ गया। डी को इक्वेशन 1 में पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन, किस में, इस वाली में, इक्वेशन 1 में, तो ये कितना है जी 40 इक्वल टू 4a प्लस 6d, तो यहाँ पे क्या है, ये 40 तो ऐसे ही रहा, 4a प्लस 6 इंटू डी कितना आया था, डी आया था 2, तो ये कितना आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 4a प्लस 12, तो यहाँ से कितना आ जाएगा
40 माइनस 12 इक्वल टू 4a, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो इतना ये कितना जाएगा 28, और ये 4 का आएगा डिवाइड में, तो यहाँ से आएगा a, तो a इक्वल टू कितना आएगा, a इक्वल टू 7। अब जो इक्वेशन थी उसमें पुट करते हैं हमारी, तो क्या था हमारे पास, Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे n बाई 2 तो ऐसे ही रहा, 2 इंटू a कितना था, a आया मेरा 7, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना आया 2, तो यहाँ से क्या करेंगे, अब देखो पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर आ रहा है, ये 2 हटा दो, ये 2 हटा दो, तो कितना बचा 7 प्लस n माइनस 1, तो इस 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ से कितना बचा n इंटू, और देखो 7 में से बन गए 6 प्लस n, तो ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो हो जाती है कभी कभी मिस्टेक यार वैल्यू रखते वक्त, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चेक करना चाहिए, चेक कर रहा हूँ मैं भी, जैसे मेरे से गलती हो गई एग्जाम में आप पे भी हो सकती। क्वेश्चन नंबर 27, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, यकीन न मानो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, फाइंड द 60 टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, एपी का 60 टर्म निकालना है, इफ इट्स हैज अ टोटल 60 टर्म, ठीक है, अगर उस पर टोटल 60 टर्म है, एंड हैंस फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म। सर ये क्या चीज़ है लास्ट 10 टर्म, अभी बता रहा हूँ ध्यान से लिखना, पहले हमें हम उसकी 60 टर्म निकाल लेते हैं, हमें तो पता है ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे क्या कह रहा है 60, मतलब n दे दिया, तो n इक्वल टू 60 रखेंगे, a इक्वल टू कितना है, a इक्वल टू 8, और d कैसे निकालेंगे, देखो d निकालने का क्या तरीका है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना, इसमें से ये माइनस, मतलब 10 माइनस 8 इज इक्वल टू इसमें से ये माइनस 12 माइनस 10, तो यहाँ से d कितना आ जाएगा, d इक्वल टू 10 में से 8 गए 2, और यहाँ पे भी कितना आएगा 2, तो d कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, बिल्कुल, मतलब दोनों का 2 आ रहा है, ये कंफर्म करना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो a 60 इज इक्वल टू कितना होगा, a कितना है 8, प्लस n कितना है 60 माइनस 1, और d कितना है, d है मेरे पास कितना 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 प्लस 59 इंटू 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 प्लस 60 दुनी 120 और 120 118, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 19 20 126, मतलब मेरे पास इसकी ए 60 टर्म जो है वो कौन सी है, वो है 126, ये आ गया, ठीक है, जो पहली कंडीशन हमसे पूछी थी, मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई तो समस्या नहीं होनी चाहिए। अब वो क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म, तो देखो ध्यान से, जैसे ये लिखा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, इसे समझा रहा हूँ मैं आपको, ये कह रहा है कि लास्ट 3 टर्म का सम निकालो, मतलब इन 3 का सम निकालो, ठीक है। तो मैं टोटल में से, देखो ध्यान से, इस पूरे टोटल में से ये माइनस कर दूं, ये वाले तो जो बचेगा वो यही बचेगा, ठीक है, क्लियर है, वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो अगर मैं टोटल कितने टर्म है, टोटल टर्म है मेरे पास एस 60, मतलब टोटल 60, तो अगर मैं लास्ट 10 टर्म्स, तो मतलब यहाँ पे लिख लेता हूँ लास्ट 10 टर्म्स, मतलब ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो अगर मैं टोटल में से शुरू के 50 को माइनस कर दूँ, तो जो बचेंगे वो लास्ट वाले 10 बचेंगे, सिंपल सा है, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, मैंने एग्जांपल से भी आपको समझा दिया, वही चीज़ ये कह रहा है, बस कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा 60, मतलब Sn का फार्मूला, तो कितना होगा 60 बाई 2, ब्रैकेट का यूज करना, 2a प्लस 60 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, और इसमें से क्या करेंगे माइनस, तो देखो माइनस क्या करेंगे, वही n क्या फार्मूला होता है, ये फार्मूला लगा रहा हूँ मैं Sn का फार्मूला पता होगा आपको, Sn इक्वल टू लिख देता हूँ, Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फार्मूले का यूज कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे क्या रख रहा है n की जगह मैंने 60 रखा, और बाकी अब सेम यही फार्मूला इसके लिए लगाएंगे, n की जगह क्या रखेंगे 50 बट्टे 2, और यहाँ पे कितना आएगा 2a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है,
क्लियर है यहां तक? अब यहां पे सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। डी हम निकाल चुके हैं, डी कितना है ये रहा 2, और ए भी हम निकाल चुके हैं। तो क्या कर रहा हूं मैं, देखो देखो 60/2, ठीक है, 2a, 2 into a, ए कितना है ये रहा 8 प्लस 60-1 इंटू डी, डी कितना था 2, ठीक है, ये मेरा काम खत्म हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे -50/2, ठीक है, कितना आएगा 2 इंटू ए, ए कितना है जी 8 प्लस 49, यहाँ से 49 इंटू डी, ठीक है, और डी तो है ही अपने पास, डी कितना है, डी अपना है 2, तो ये ब्रैकेट बंद और ये अब इसको सोल्व करना है, ठीक है। इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो देखो ध्यान से, तो 60/2 इंटू 2 मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, देखो इस 2 से ये 2 कट गया, कितना बचेगा 8 प्लस 60 में से बन गए 59, ठीक है। उसी तरीके से माइनस, यहाँ पे क्या किया मैंने, अभी माइनस को ऐसे ही रखा 50/2 इंटू, इस पूरे में से भी 2 को बाहर निकाल लिया, तो ठीक है क्या बचेगा अंदर, देखो ध्यान से 8 प्लस 49, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ क्या बचा 60, और यहाँ से 60 इंटू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 50, 60 और 67 माइनस 50 इंटू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 57, क्लियर। अब देखो इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका भी मैं फंडा बता रहा हूँ कैसे करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना, वरना एग्जाम में आप कैलकुलेशन में करोगे और उलझ के रह जाओगे। पहले 10 बाहर निकाल लो, तो 10 निकाल लिया तो 6 into 67 माइनस 5 into 57, ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 10 ऐसे ही रहा, कि यहाँ से कितना हुआ 6 7 42 का 2 4 6 4 24 25 26 27 28 माइनस 5 7 35 का 5 3 5 3 15 16 17 18, ये आ गया, क्लियर है, 5 3 15 16 17 18 200 250 18, गलत आ रहा है कुछ, एक मिनट रुक जाओ बेटा, यहाँ पे 7 5 35 का 5 और 5 5 25 26 27 28, ये आएगा यार, है ना, मैं वही तो देख रहा था गलती क्यों हो रही है, ठीक है, 5 5 25 26 27 28, क्लियर है। अब इसको माइनस कर लो, तो 10 और इसमें से माइनस होगा, माइनस में कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, अरे यार एक देखो मेरे से भी बार बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रही है यार, यहाँ देखो 10 ऐसे ही रहा, 6 7 6 7 42 का 2 यहाँ से लगा 4 6 6 36 और 4 40, ये आ गया माइनस 5 7 35 का 5 3, तो 5 5 25 26 27 28, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10 बचा, यहाँ से कितना बचेगा 115 16 17 117, अब इस 10 को अंदर भेज दो, तो एक ये आ जाएगा लास्ट के 10 टर्म का सम। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था, यकीन मानो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और बहुत अच्छे से एग्जाम में आया हुआ है ये तो मैंने एक ही बार लिखा है, ये 2-3 बार आया हुआ है, मैं फिर बता रहा हूँ अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मैक्सिमम बच्चे इसको छोड़ देंगे। मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझाया है, एक एक बात बताई है, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, बस वीडियो को पूरी आराम से तसल्ली से देखना, ईयरफोन लगा के इधर उधर ध्यान आपका ना भटके, एक ही बारी में आपको समझ में आ जाएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी आपको, और वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे बढ़िया कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्यों, वर्ल्ड प्रॉब्लम है और सिंपल सा है, बिना फार्मूले के भी कर सकते हैं इसको, लेकिन बच्चे फार्मूले लगा करेंगे, चलो हम भी फार्मूले से करते हैं, लेकिन मैं बिना फार्मूले से करूंगा, पहले फिर फार्मूले से करूंगा। टर्म कैश प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ ऑल स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज 20, मतलब 1600 रुपये है और 10 बच्चों को देना है, और इस तरीके से देना है कि जो उसने टॉप किया उसको सबसे ज़्यादा मिले, जो सेकंड नंबर पे आया उसको उससे 20 रुपये कम मिले, जो थर्ड नंबर पे आया उसको पहले और दूसरे वाले से और 20-20 रुपये कम मिले, इस तरीके से। तो हमें बताना है कि सभी प्राइस की वैल्यू क्या है, देखो कैसे करेंगे, तो कैसे करते हैं ध्यान से समझो, बिना फार्मूले के बता रहा हूँ, लेट्स फर्स्ट प्राइज को मैंने एक्स मान लिया, ठीक है, प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है, उसके पहले वाला, ठीक है, प्रीसीडिंग मतलब
पहले वाला, ठीक है। तो अगर फर्स्ट वाले को कितने मिले हैं x, तो सेकंड वाले को क्या मिलेंगे, सेकंड प्राइस वाले को, सेकंड वाले को मिलेंगे x माइनस 20, है ना। इसी तरीके से थर्ड वाले को कितना मिलेगा, ध्यान से समझना, 20 रुपये कम मिल रहे हैं, तो x माइनस 20 माइनस 20, मतलब ओवरऑल कितने मिलेंगे इसको, x माइनस 40, क्योंकि दो बार कम मिलेंगे ना दो से। तो इसी तरीके से अब मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ, देखो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फोर्थ वाले को कितना मिलेगा, देखो x माइनस 60, और इसी तरीके से फिफ्थ वाले को कितना मिलेगा, फिफ्थ वाले को मिलेगा x माइनस 100, सिक्स वाले को कितना मिलेगा, सिक्स वाले को मिलेगा x माइनस 120, इसी तरीके से सेवन्थ वाले को कितना मिलेगा, x माइनस 140, तो एट वाले को कितना मिलेगा, एट वाले को x माइनस 160, उसी तरीके से नाइन्थ वाले को कितना मिलेगा, x माइनस 180, और टेंथ वाले को कितना मिलेगा, टेंथ वाले को मिलेगा x माइनस 200। क्लियर है, अच्छे से समझ में आया, क्लियर है ना, यही तो चीज़ कह रहा है वो, यही तो कह रहा है और कह क्या रहा है, इसके सिवा तो कुछ कह ही नहीं रहा है कि भाई इतना। अब ध्यान से देखना, ठीक है, 200 और 200, ठीक है, अब देखना ध्यान से, अब इन सब का सम, इन सब का सम जितना दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 1600 रुपये, तो इन सबको ऐड कर दो। थोड़ी वीडियो में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, तो वो पार्ट को कट करके मुझे दोबारा से शूट करना पड़ रहा है, तो उसके आगे ही मैं बता रहा हूँ जहाँ तक मैंने बता चुका था। अब हमें सम दिया हुआ है, तो सम का क्या फार्मूला होता है, SN इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, देखो SN दिया हुआ है, कितना है 1600, टोटल कितने बच्चे हैं 10, तो देखो 10 पैसे है, तो n की जगह कितना आ जाएगा 10, तो मतलब 10 बाई टू, और यहाँ पे कितना है 2 इंटू ए कितना मारा था मैंने x, प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा ये 10 माइनस 1, और d कितना आया था माइनस का 20, ठीक है, क्यों, क्योंकि हर किसी को पहले वाले से 20 रुपये कम मिल रहा है, तो d की माइनस 20। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, इसको इससे काट दो, तो ये कितना आ गया 5, तो 5, और यहाँ से कितना आएगा 2x, और इधर इसको करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 9 और 180, तो मतलब माइनस का 180। क्लियर है यहाँ तक, और ये कितना है 1600। अब ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 1600 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू कितना जाएगा 2x माइनस 180, तो इसको इससे काटेंगे तो ये कितना आएगा 320, ठीक है 320, ठीक है 320 इधर आके कितना हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो 320 प्लस 180 इक्वल टू 2x। क्लियर है यहाँ से, तो यहाँ कितना जाएगा 500 इक्वल टू 2x, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 2 मतलब x, तो x कितना आ जाएगा यहाँ पे 250, मतलब यहाँ पे x कितना आ गया 250, मतलब x इक्वल टू 250, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं सारी इक्वेशन को, है ना, अच्छे से। हाँ तो चेक कर लिया है, फर्स्ट वाले को कितना मिलेगा 250, उसके बाद अगले वाले को कितना मिलेगा, सेकंड वाले को, तो x इसको ले लो x1, इसको x2, कितना मिलेगा ये 20 रुपये कम 230, उसी तरीके से x3 थर्ड वाले को कितना मिलेगा 210, उसी तरीके को x4 फोर्थ वाले को कितना मिलेगा 190, उसी तरीके से x5 इसको कितना मिलेगा 170, x6 को कितना मिलेगा 150, x7 को कितना मिलेगा 130, और x8 को कितना मिलेगा 110, उसी तरीके से x9 को कितना मिलेगा 90, और सबसे लास्ट वाले बच्चे को कितना मिलेगा 70। इन सबको ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली 1600 आएगा, ऐड कर लेना। आई बात समझ में, तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, तो अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। 2017 में 3 नंबर का आया हुआ है, AP का बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, यकीन मानो अल्टीमेट क्वेश्चन है ये, बताऊंगा कैसे, ये क्वेश्चन देख के मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि करे कैसे। ध्यान से देखो, मार्कर को देखना, ये दो AP है, एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग। यहाँ से देखो जैसे 5, 9, 13 और यहाँ पे देखो 81, ये इंक्रीजिंग है मतलब बढ़ रही है, और इसमें देखो ये कितना है 41, 39, 37 और कहाँ तक है ये -3, मतलब ये डिक्रीजिंग है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को अलग अलग लिख लेता हूँ, अलग अलग कैसे, देखो मैंने इसको लिख लिया 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस कहाँ तक जा रहा है ये 81 तक, ये एक AP हो गई, प्लस एक दूसरी AP, कौन सी
-41, -39, -37 और कहाँ तक जा रही है ये, -3 तक। ये दो ए पी हो गई, बस सिंपल सा इसको ये अलग अलग कर लिया, इसमें फार्मूला लगा दो, कौन सा SN वाला, SN इक्वल टू N-1 × 2। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें सम निकालने के लिए AN निकालना होगा कि भाई इसमें कितने टर्म्स हैं, और इसका भी AN निकालना होगा। तो पहले AN निकाल लेते हैं इस AP का, देखो ध्यान से इस AP का। तो AN इक्वल टू क्या होगा, AN इक्वल टू A+N-1 × D। AN कितना है, लास्ट टर्म, तो AN इक्वल टू कितना है यहाँ पे, AN इक्वल टू 81। A कितना है, A देखो 5, और D कितना है, D देखो ध्यान से, तो 9 में से 5 गए, 9-5 = 13-9। तो यहाँ से D कितना आ जाएगा, D इक्वल टू 4 = 4। तो ये आ गया D, सब चीज़ आ गई हमारे पास। अब सिमिलरली इसको देखो अलग मार्कर से कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसको देखो इस वाले को, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एक AN का फार्मूला, AN इक्वल टू A+N-1 × D। A कितना है, A इक्वल टू -41। D कितना है, तो D देखो कैसे निकालेंगे, -39 और -41 इज इक्वल टू -37 और -39। तो यहाँ से D कितना आ जाएगा देखो ध्यान से, तो -39 + 41 और इधर -37 + 39। तो अल्टीमेट D कितना आ गया, तो D यहाँ से कितना आ गया, 2 = 2। तो D आ गया मेरा, D आ गया मेरे पास 2। बहुत ठंड है, ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। तो A और AN कितना है, AN इक्वल टू कितना है, -3। बस इन दोनों वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर दो, यहाँ पे AN वाले में, तो इसमें रख रहा हूँ मैं। तो AN की जगह कितना आ रहा है देखो, 81 इज इक्वल टू, A कितना है, A है ये रहा 5 प्लस N-1 × D। D कितना है, ये रहा 4। तो 81 को इधर ले जाओ, तो 81 माइनस 5 इक्वल टू N-1 × 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 76 इक्वल टू N-1। तो 76/4 इक्वल टू N-1। तो ये कट के कितना दे देगा, ये आ जाएगा 19। तो N इक्वल टू कितना आ गया, 20। इस वन को इधर ले आएंगे, तो N इक्वल टू 20, मतलब ये पता चल गया इस वाली AP में 20 टर्म है। सिमिलरली इसको करते हैं यही, AN कितना है, -3 इज इक्वल टू, A कितना है, -41 प्लस N-1 और D कितना आया था, D आया था 2। ठीक है, अब इस माइनस के 41 को उठा के इधर ले आओ, तो कितना आ जाएगा, -3 + 41 = N-1 × 2। तो कितना आ जाएगा ये, 38। यहाँ से कितना आएगा, 38 इक्वल टू N-1 और ये 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से भी कितना आ गया, 19। मतलब यहाँ से पता चल गया कि भाई इसमें भी N कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 20 हैं। ठीक है, दोनों का N पता चल गया ना, अब बस हमारा काम हो गया। ठीक है, क्या काम हो गया हमारा, हमें N पता चल गया, सब चीज़ पता चल गई, SN का फार्मूला लगा देंगे। तो ये मैं मिटा देता हूँ, बस याद रखना कि कितना है N, कितना है यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ ताकि याद रहे मुझे। इसके लिए N आया 20, A और D कितना आया, D इक्वल टू 4। ठीक है, और इसमें कितना आया, इसमें भी N इक्वल टू 20 और D कितना आया, D आया 2। ठीक है, अब देखो SN का फार्मूला लगा देता हूँ मैं। ठीक है, SN इक्वल टू क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ये देखो, तो SN इक्वल टू हमारा होता है, ये चिपक गया मार्कर, एक मिनट हो गया बेटा, ये मार्कर एक्चुअली चिपक जा रहा है इस पर। ठीक है, तो ये क्या फार्मूला लग जाएगा हमारा SN, इसके लिए SN इक्वल टू N/2 A+AN। ठीक है, ये लगा लो, ज़्यादा आसान है, प्लस में इसके लिए भी वही SN इक्वल टू A N/2, अरे यार SN इक्वल टू N/2 A+AN। ठीक है, यही फार्मूला होता है ना, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे कितना है, N कितना निकला हमारे पास, 20। तो 20/2 और इधर से कितना आ जाएगा, A कितना है, A है 5 प्लस AN कितना निकला, AN है 81 प्लस ये दोनों का SN प्लस N/2, N कितना है इसका, 20। तो 20/2 A कितना था, A है -41 प्लस AN कितना है, -3। क्लियर है यहाँ तक, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये इससे कट गया, कितना आ गया 10। तो ये आ गया 10 × 81 + A, तो कितना आ जाएगा 86 प्लस यहाँ से भी कितना आएगा 10
ये कट गया इनटू माइनस और ये प्लस माइनस माइनस मतलब माइनस का 44, तो माइनस का 44। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना जाएगा ये 860 और यहाँ से कितना आएगा माइनस का 440, तो ये कट फट के कितना आ गया 420, मतलब इस सीरीज का सम कितना आएगा 420, यही इसका आंसर है। बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये। अब मैंने आपको अच्छे से एक एक स्टेप करवा दिया, मेरे ख्याल से अब फ्यूचर में आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से करना, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूँ कि इससे पहले अब तक मैं 27 क्वेश्चन करा चुका हूँ एपी के, और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो चैनल पर जाना, उनको भी जाके देखना, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी, वही क्वेश्चन है जो अभी करवाया था मैंने। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को भी देख के घबरा जाएंगे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान से देखो, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, इसका इस सीरीज का मुझे सम निकालना है, ठीक है। करने का क्या तरीका है ध्यान से देखो, इसको मैं खोल के ये लिख दूं 4 - 1/n, ब्रैकेट हटा दिए, प्लस 4 - 2/n प्लस 4 - 3/n, और कहाँ तक जा रहा है ये n तक, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मेरे मार्कर को देखना, मैं इस 4 को, इस 4 को और इस 4 को, इनको अलग लिख लेता हूँ, मतलब दो एपी है ये, एक 4 की और एक 1/n 2/n और 3/n की, दो एपी को मिला के एक एपी कर दिया उसने, और कह रहा है इसका सम निकालो, तो मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया, तो मैंने क्या लिखा 4 + 4 + 4 + कहाँ तक जा रहा है ये अप टू n, n तक जा रहा है ये, ठीक है। और इसी तरीके से प्लस, ध्यान से देखना, इस पूरे को मैंने क्या लिखा माइनस का 1/n माइनस का 2/n और माइनस का 3/n और ये माइनस का कहाँ तक जा रहा है n तक, ठीक है n तक। अब क्या करूँगा देखो ध्यान से, इस पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है 4, तो 4 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 + डैश कहाँ तक n तक, और इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है ध्यान से देखो, तो मैंने माइनस का 1/n बाहर निकाल लिया, ठीक है, माइनस का 1/n बाहर निकाल लिया, तो क्या बचेगा देखो ये 1 + 2 + 3 + कहाँ तक जाएगा ये n तक, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो 4 कितनी बार आ रहा है 4n 1 1 1 1 1 कितनी बार n तक, तो इसका तो डायरेक्ट आ जाएगा 4 × n, यहाँ तक समझ में आ गया कि भाई n टाइम तक जा रहा है तो 4 × n जितने भी n होंगे, मान लो अगर 20 बार जुड़ रहा है तो 20 × 40 80 आ जाएगा सम के, ऐड करके देख लो, और माइनस का 1/n ऐसे ही रहा। अब देखो इसमें फार्मूला लगा दो, कौन सा sn का, sn = n/2, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या फार्मूला लिख रहा हूँ ध्यान से देखना, इसमें लगा रहा हूँ मैं फार्मूला, गलती मत करना, तो फार्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर a + an, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है, इसमें मैंने ये फार्मूला लगा दिया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 4n - 1/n × अब ध्यान से देखना ये n/2 ऐसे ही रहा, और यहाँ पे क्या होगा a कितना है 1 प्लस ये कितना है an कितना है, तो an भी है हमारे पास 1, तो ठीक है ये इसका फार्मूला आ गया। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो इससे ये कट गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4n - ब्रैकेट के अंदर 1 + n / 2, क्लियर है यहाँ तक। इसको फर्दर भी सोल्व कर सकते हो एलसीएम लेके, तो चलो एलसीएम ले लेते हैं, तो ये इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 तो ये इधर मल्टीप्लाई में, ये इधर, तो कितना आ जाएगा ये 8n - अब माइनस को अंदर भेज देता हूँ, तो माइनस का 1 और माइनस का n और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा 2, तो इसका आंसर क्या आ गया 8n में से 1n गए, तो 7n - 1/2। तो देखो इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था, इसको मैंने कितनी आसानी से कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन देख के हमें घबराना नहीं है, बिल्कुल शांत रहना है और तसल्ली से सोचना है कि इस क्वेश्चन को मैं आगे कैसे सोल्व कर पाऊँ। ये क्वेश्चन देखने में ही अटपटे से लगते हैं, थोड़ा पजल्स करते हैं, इन बच्चे को परेशान करते हैं, जहाँ पे एक बार आपका मोटिवेशन या कॉन्फिडेंस डाउन हो गया आप क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना तसल्ली से और सोचना कि क्या हो रहा है, कुछ अलग कर सकते हैं, कुछ मिला सकते हैं, किस तरीके से, ये उसी तरह के क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो अच्छे से देखना, मैंने पूरी कोशिश की है कि कितनी आसान लैंग्वेज में आपको समझा सकूं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं रियल नंबर
पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हार्डली 25-30 क्वेश्चन कराए हैं मैंने, वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो चैनल पे जाना, उनको भी अच्छे से देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 30, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, 2017 में 3 नंबर का पूछा हुआ है। क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द एनटम ऑफ 2 AP, ये और 3, 10, 17 आर इक्वल, मतलब एन की किस वैल्यू के लिए ये दोनों टर्म, दोनों एपी में, मतलब इसको अगर मैं इंक्रीजिंग करूं तो इंक्रीजिंग हो रहा है, और यहाँ पे 17 ऐसे ही बढ़ रहा है, तो इसमें बीचों बीच एक ऐसी वैल्यू आएगी जहाँ पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब ऐसे इसको आगे बढ़ाया तो ये लगभग कुछ ऐसे आ जाएगा 100, 150, 200, और उसमें भी कुछ 100, 150, 200। तो वो ये कह रहा है कि किस जगह दोनों में सेम वैल्यू पहली बार मिलेगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से, सिंपल सा है कि इसका एनेटम निकाल लेते हैं इस एपी का, तो 63, 65, 67 कहाँ तक जा रहा है, एन तक। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होगा भाई, हमें पता है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना है, देखो ए है हमारे पास 63, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, अब प्लस एन पता नहीं तो एन माइनस वन, और डी कितना है देखो ध्यान से, प्लस का 2, इंक्रीजिंग ए पी है, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 63 प्लस 2n माइनस 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 61 प्लस 2n, ये हो गया an, इस AP का इक्वेशन 1। अब दूसरी AP लिख लो, दूसरी AP जो दे रखी है ये वाली, कौन सी है, 3, 10, 17, और कहाँ तक जा रहा है, ये भी n तक जा रहा है। ठीक है, तो इसका भी an का फार्मूला लगा देते हैं फिर से, वही an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो an ही है ये। अब ये कितना है, a यहाँ पे कितना है 3 प्लस एन माइनस वन, और डी कितना है देखो ध्यान से, तो 10 में से 3 गए 7, 17 में से 10 गए ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 3 प्लस 7 को अंदर भेज दो इस 7 को, तो 7n माइनस 7, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 7n माइनस 4 an। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 2। अब ये कह रहा है कि n की किस वैल्यू के लिए ये दोनों टर्म इक्वल होंगे, तो इसका कहने का मतलब है इन दोनों को इक्वल कर दो, मतलब ये वाला an इसका और ये वाला an इक्वल, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो दोनों को इक्वल रख दिया, तो मैंने क्या लिखा, 61 प्लस 2n इज इक्वल टू इसके इक्वल 7n माइनस 4। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, तो अब क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, और इसको, अरे एक मिनट, ये एक काम करते हैं, इसको भी नहीं ले जाते, इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा ये 61 माइनस का है तो इधर आके प्लस का, और इधर से कितना आ जाएगा ये 7n, और इधर 2 जाके तो माइनस का 2n, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 65 इक्वल टू 5n, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 65 अपॉन 5 इक्वल टू n। अब इसको काट लेंगे, मतलब कितना आएगा 13, मतलब n का जो 13 टर्म होगा, जो 13 टर्म होगा इस दोनों एपी में, वो इक्वल आएगा, करके देख लेना, वो इक्वल ही आएगा। आई बात समझ में, तो बहुत ही शानदार, और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन को आने के, तो आराम से देखना। वीडियो में कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में मेरे से जरूर पूछ लेना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 30 क्वेश्चन करा चुका हूं एपी के, और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो उनको भी जाके कर लेना आप लोग, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, 80 out of 80 आने से आपको कोई नहीं रोक सकता, बस कंडीशन एक ही यही है कि आपने मेरी एक एक वीडियो बहुत अच्छे से देखी हुई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। एपी का एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आएगा, नोट डाउन कर लेना, इसके सिवा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ 3 अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन आर S1, S2 एंड S3, देयर फर्स्ट टर्म ऑफ ईच AP। क्या कह रहा है, 3 AP है, लिख लेता हूँ, देखो ये सिर्फ समझाने के लिए है, अपने से लिख लेता हूँ, मान लो 3 AP क्या है, S1 जो है वो क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, ऐसे कहाँ तक जा रहा है, n तक। ठीक है, दूसरी AP क्या है, दूसरी AP भी क्या है, वही है 1 प्लस
थ्री प्लस फाइव फाइव, क्योंकि दो दो का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कितने का है दो का, फाइव प्लस सेवन प्लस डेड डेस कहाँ तक एन तक, और एस थ्री कितना है, एस थ्री ले लिया मैंने वन प्लस फोर प्लस सेवन प्लस कहाँ तक जा रहा है ये भी एन तक, क्यों देखो उसने क्या दिया है द फर्स्ट टर्म तीनों ए पी का फर्स्ट टर्म कितना है, देखो चाहे आप मार्कर से दिखा देता हूँ मैं अलग अलग से, तीनों ए पी का फर्स्ट टर्म कितना है ये देखो, तीनों ए पी का फर्स्ट टर्म वन वन है ठीक है, और फर्स्ट ए पी में कितने का डिफरेंस है भाई देखो कितने का ये डिफरेंस है वन वन का, तो ये वन टू थ्री फोर ऐसे, और दूसरे में कितने का है टू टू का, तो देख लो चाहे आप करके देख लो, और तीसरे में कितने का डिफरेंस है थ्री थ्री का ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे मैंने ये तीन मान ली, जरूरी नहीं है कि तीन यही हो, कोई सी भी तीन ए पी हो सकती है, मैंने ये आपको समझाने के लिए लिया है, आप फोर ग्रांटेड मत ले लेना कि यही ए पी होगी ठीक है, कोई से भी आप ले लो समझाने के लिए ये ठीक है। अब क्या कह रहा है, देयर कॉमन डिफरेंसेस इतना, तो हमें क्या प्रूफ करना है, S1 प्लस S3 इक्वल टू टू एस टू, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसका सम निकाल लेते हैं, तो S1 का तो क्या होगा, S1 इक्वल टू क्या होता है सम का फॉर्मूला, n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख दो n पता नहीं तो n की जगह n ये, तो टू इन टू ए कितना है इस वाले में ep में a है वन प्लस n माइनस वन, और d भी कितना है, d भी वन है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा देखो n बाई टू, और यहाँ से कितना आएगा 2 प्लस n माइनस वन, तो यहाँ से कितना आ जाएगा n बाई टू, और ब्रैकेट में कितना आएगा देखो दो में से गया एक, तो n प्लस वन, ये हो गया पहली वाली ठीक है। अब दूसरा s2, s2 निकालते हैं ठीक है, तो s2 के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से वही फार्मूला लगा रहा हूँ, तो n तो पता नहीं है, तो n बाई टू टू इन टू a, a कितना है इसमें भी a वन है प्लस n माइनस वन, और d कितना है, d है मेरे पास 2, कॉमन डिफरेंस दे रखा है उसने ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये n बाई टू, और ये कितना आया 2 प्लस ये अंदर गया ये 2, तो 2n माइनस 2, तो यहाँ देखो इससे 2 से ये कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया n बाई टू इन टू टू एन, अब इस 2 से ये भी 2 कट गया, तो क्या आ जाएगा ये n स्क्वायर, मतलब s2 आ गया मेरे पास। अब s3 निकाल लेता हूँ मैं, देखो ध्यान से, तो s3, s3 कितना है भाई, यही फार्मूला लगेगा फिर से, तो n बाई टू 2 इंटू ए कितना है, a देखो a है 1 प्लस n माइनस वन, एन माइनस वन, और d कितना है, d है 3 ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा ये n बाई टू, यहाँ से कितना आएगा 2 प्लस 3n माइनस 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा n बाई टू, और ये कितना आएगा देखो 3n ऐसे ही रहा, और इसमें से ये गया तो माइनस का 1 ठीक है। तीनों ए पी आ गई हमारे पास, क्लियर है यहाँ तक, अब मैं इसको मिटा देता हूँ जो मेरा काम है ठीक है, ठीक है ये मेरा काम हो गया। अब मैंने क्या किया देखो ध्यान से, मैं इसको लेके इसको इसके इक्वल प्रूफ कर देता हूँ, तो मैंने ये ले लिया, मैंने क्या ले लिया S1 प्लस S3, तो S1 कितना है वहाँ से देखो, S1 कितना है मेरे पास n बाई टू, और ब्रैकेट में कितना है n प्लस वन, प्लस S3 कितना है ये रहा, ये कितना है n बाई टू, और ब्रैकेट में कितना है 3n माइनस वन, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है n बाई टू, n बाई टू पूरे में से कॉमन आ गया, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा n प्लस वन प्लस थ्री एन माइनस वन, तो देखो ध्यान से इससे ये कट गया वन से, तो यहाँ से क्या आ गया n बाई टू, और ये देखो ये कितना हो जाएगा 3n और एक n, तो मतलब 4n ठीक है 4n। अब यहाँ पे फर्दर देखो जगह तो बची नहीं है, चलो इसी को मिटा देता हूँ, और ये किसके इक्वल आएगा देखो ध्यान से, ये मेरा s2 है, तो यहाँ से देखो इसे इस 2 से ये 2 कट गया कितनी बारी में 2 टाइम में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2n स्क्वायर, और n स्क्वायर को मैंने किसके इक्वल प्रूफ किया था s2 के, तो मतलब यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं 2 टाइम s2, तो मतलब मेरा प्रूफ हो गया s1 प्लस s3 जो आ गया, जो इसके बराबर प्रूफ करना था, तो बहुत ही सिंपल और बहुत साधारण क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से नोट डाउन करना, यही क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है, एक एक पॉइंट देखना, जितनी बातें मैंने बताई उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना, और क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन लिखना ताकि आपको समझने में आसानी हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।